10 बजे काम हो जाएगा। शहर के पावर हाउस पे आप ठीक 10 बजे पहुंच जाइएगा। मैटर सेटल हो जाएगा। अगर मैटर सेटल नहीं हुआ तो संडे तो फिर आएगा। पावर हाउस भी वहीं रहेगा, लेकिन तू निकल ले। हम रुके या निकल ले? अबे इतनी जल्दी का है? साहब ने चाउमीन और लिट्टी चोखा ऑर्डर किया, आराम से ठूस के जाएंगे। तो निकल। नाम है सुराना, वसूली का धंधा पुराना। हम यहाँ 25% कमीशन लेने आए हैं। शांति से जेब ढीली करेगा तो तेरी जान बची रहेगी बुढ़ऊ, और अगर हमारा कमीशन नहीं दिया तो तुम्हारे जीवन में मंडे नहीं आएगा। भाई वो किसी को फोन कर रहा है। अरे बहुत बड़ी रकम है, अरेंज कर रहा होगा। ए, सब लोगन अपना काम बंद करो, सोमवार तक तुम्हारा छुट्टी है, चलो निकलो यहाँ से। संडे को मिल शहर के बाहर वाले पावर हाउस में। ज्यादा होशियारी की ना तो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सवेरे सवेरे तोहार प्रवचन सुनने नहीं आए हैं? चुपचाप रुपया निकाल। गोली बर्बाद काहे कर रहे हो? संडे सुबह 10 बजे पावर हाउस पे पहुंच जाना, तुम्हें तुम्हारे हिस्से का माल वहीं मिल जाएगा। सर अगर हम डर के मारे इन लोगों को 25% दे देंगे तो हमारी बिल्डिंग पूरी कहाँ से होगी? ये मुसीबत से कौन बचाएगा सर? हर शेर के लिए ऊपर वाला बब्बर शेर जरूर भेजता है, और वो फौलाद के जिगर वाला है। और युगांडा के चॉकलेट से बनी आइसक्रीम, तुम तीनों का तोड़ेंगे आज हम ड्रीम। पहले आइसक्रीम खा ले। आइसक्रीम दिखा के पिघलाना चाहता है हमका। कैश निकाल तू। कैश दूं? ओ मतलब लक्ष्मी देवी, डिक्की में कैश है। तो टाइम पास काहे कर रहा है, हमारी गाड़ी के डिक्की में डाल दे। अच्छा ये बताओ भाई लोग, आप माल अकेले ही हजम करोगे या आपस में बांटोगे? हम बांटना नहीं जानते, अकेले डकार जाते हैं। अपनी जबान पे लगाम दे, सब हम लेकर जाएंगे। जो पैसा टच किया हम उसको मार डालेंगे। अबे बंद करो ये बोल बच्चन, तुम दोनों गुंडई हमसे सीख के हमसे ही पंगा ले रहे हो। इन चूजों को कुछ मत देना, सारा पैसा हमको देना है। पैसा को छुआ तो जमीन में काट देंगे, कट्टा तुम्हारे हलक में डाल देंगे। अरे चट, हम तुम दोनों की समाधि यही बना देंगे। मारो इन्हें। हमने कहा भाव, तुम्हारी आइसक्रीम खत्म हो गई और हमारी फाइट भी, बैंक बंद हो जाएगा। पैसा दे दो, डिपॉजिट कर देंगे। पूरा कैश तुझे चाहिए, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। इसको वहाँ देख, इनकी तो हम आज धोती फाड़ी देंगे। रुक 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 रुक, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, हम का मनाना पड़ेगा। क्या करोगे? अगर राजधानी एक्सप्रेस फुटबॉल के ऊपर से गुजर जाए तो फुटबॉल का कहा होगा? वो पिचक के फट जाएगी। वो भी फटने वाला है। तेरे जैसे काले कौवे को उसकी सही जगह पर पहुँचाने के लिए मेरा एक ही पंच काफी है। हाथ है या फिर हथौड़ा है, हमको माफ कर दो भैया। तेली गली के खुजली वाले कुत्ते, तूने इस शहर की गली में आकर उसे ललकार कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे हम तोरे पैर पकड़ते हैं, आशीर्वाद दे के ही जाना। आफ्ता वसूलर फ्रॉम चिंच पोकली, तेरी बातें खोखली, खा के आए अपन कबाब शीख, अब पड़ेगी तेरे को एक केक। Oh,
सुनामी का होता है हमको आज पता चला। अर्जुन भाई हमारा राइट हैंड उठाओगे प्लीज। इसने हम तीनों का तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा कर दिया। हाथ नीचे करो, हमारा दी एंड हो गया। अरे ये तो बता, तुम कौन सा धरती पर जन्म लिया है? जिस धरती पर जन्म लिया उसे हिंदुस्तान कहते हैं, जिस माँ से प्यार किया उसे भारत माँ कहते हैं, जिससे दुनिया डरती है उसे इंडिया कहते हैं। बोले तो अपनी कोई जात भाषा धर्म नहीं है। कॉकटेल है अपन, ऑल इन वन। सुन यार, तू कल की फ्लाइट से रियाद आ रहा है ना, प्रॉमिस कर। जिंदगी में हम दो चीज कभी नहीं भूलते, एक तेरा बर्थडे और दूसरा लिया हुआ उधार चुकाना। ये चड़िया सोहनलाल जिंदा है कि नरक पहुंच गया? क्या रे चड़िया, मेरा पैसा हजम करना चाहता है। पैसा पैसा बाबा भूल गया, लास्ट टाइम जब हम इंडिया आए थे तब तूने मुझसे 10,000 रुपया उधार लिया था नी, और वादा किया था कि मेरे खाते में जमा कर देगा नी। अच्छा, तो डिपॉजिट नहीं किया? अरे फ्राइडे था ना, बैंक बंद था। अरे चड़िया वो बातें छोड़, मेरे बर्थडे पे तो आएगा ना? अरे हम जरूर आएगा साईं, तू हमारा मित्र और इंडियन काउंसिलेट में ऑफिसर। यार तू आजा, हमारी वैष्णवी से भी मिल लेना। अगले महीने जब हम इंडिया आएंगे ना, तो तुम्हें हमारे परिवारों से बात करके हमारी शादी भी करवानी होगी। अरे सूर्या, हमसे भी बात कराओ। हाय श्री। हाय राज। ए सूर्या, ऐश कर लो, लेकिन इसका पैसा देना मत भूलना। अरे टेंशन मत ले यार, कल हम सऊदी आ रहे हैं। ओके बाय। ए शाने, तोरा नाम ही सूर्या है ना? तू रख ले, गुड जॉब। किसी की खबर देने आया है कि लेने? नहीं बताए तो चल सीधे पॉइंट पे आ। तू फ्री है ना? भाई को राजा जी तुझको बुलाए हैं, हमारे साथ चल। तुझे लगता है तू यहाँ आएगा और हमें ऑर्डर देगा तो हम आएंगे? नोरे घोचू। ए हाँ भाई, ये कहाँ बोल रहा है, कोई सुना तूने? बड़ी साई पापड़ खाई, जरा बता हमने कहाँ बोला? अरे तुमको घोचू बोला। तो हमको घोंचू बोला? क्या कहें, कौनो पगलेट तुम्हें यहाँ भेजे और तुम आ गए, बिचौले हो का? हम राजा शैतान सिंह के लेफ्ट हैंड हैं। जी, रोज सुबह वो तोहरा हाथ इस्तेमाल करते, बदबू आ रही है धोकरा। चुपचाप साथ चल, राजा शैतान सिंह से दुश्मनी नहीं, चल। तू ही थोक के भाव में दुश्मनी देने आया है, अपन कहाँ ले रहा है? मतलब तू नहीं आएगा? नहीं आएगा, निकाल ले। अगर एक मिनट भी रुके तो डंबल सर पर फोड़ दूंगा। ए लाल टी शर्ट, ज्यादा मत बोल, तू हमको जानता नहीं है। बबुआ, जिंदगी में झुकना सीखो, ना ही तो उखड़ जाओगे, क्योंकि हमारे सामने सर उठाने वाले को हम दुनिया से उठा देते हैं, समझे का? अरे टीवी पे कोई भी चैनल लगा, सब हमारी आरती गा रहे हैं। कौन है वो? चाहे वो शमशान भूमि हो या खेत खलियान, चाहे वो स्कूल हो या मंदिर, अगर उसे वो जगह पसंद आ गई तो वो कब्जा कर ही लेता है। शकल से डरावना, अकल से खूंखार, जो खुद को समझने लगा है गॉड फादर, ऊका राज कल्याण टू दादर। देखा भाई, वीडियो में हम भी है। हिटलर की तरह बेरहम, दारू के धंधे पर वो राज करना चाहता है, ई खातिर वो किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है, और ऊका सबसे बड़ा दुश्मन है माइंड किंग शंकर, और जिसे खत्म करके वो इस धंधे पर भी अपना राज जमाना चाहता है। बच्चे से लेके बूढ़े तक सब एक ही नाम से कांपते हैं, राजा शैतान सिंह। न जाने कितने मासूमों की हत्या की है, कितनों के सर धड़ से अलग किए, पर ताजा ताजा समाचार के अनुसार शैतान सिंह एक चिकने छोकरे से डर गया। क्या बोल रही है? का शैतान सिंह की गॉड फादर की कुर्सी खतरे में है, या फिर कोनो और आ गया है जो उसकी जगह हत्याना चाहता है? का शैतान सिंह का साम्राज्य इतिहास बन के रह जाएगा? ये पूरा चैनल फोड़ देंगे हम। अरे तोरे से काहे डरेंगे हम, तू का उखाड़ लेगा हमरा? अरे तूने पब्लिसिटी के लिए हमसे ज्यादा पैसा दिया होगा चैनल को। तुम लोगों को मारते हो पब्लिसिटी के लिए, लेकिन ये सिटी की पब्लिक माची है। ए मुला मुला गाजर भीड़ घर पे, ये पंटर आपके चमचे होंगे, अपन नहीं। का हौसला है तेरा? बॉडी में विटामिन कम, हौसला ज्यादा है। इस जिम पहलवान बहुत बोलता है। लगता है इसका जिम चलता नहीं है, यहाँ कोई कसरत नहीं कर रहा। बबुआ, इस जिम को हॉस्पिटल के बाजू में शिफ्ट करो, तभी चलेगा। करेक्ट, तुम्हारा पैकिंग हम ही कर देते हैं। तुम अगर घर पर बोर हो गए हो तो हॉस्पिटल में बेड बुक करवा दूं? अरे सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली टेढ़ी करना हम जानते हैं। तू काहे फोकट में जान देना चाहता है बबुआ? ओ चाचा, ये डायलॉग फिल्म में बहुत लोग बोल चुके हो, कुछ नया बोलो। तुम्हारे इसी जोश की वजह से तुम इस इलाके के हीरो बन गए हो।
पानी का प्रॉब्लम हो, राशन का या सुलभ शौचालय का, तुम हमेशा आगे रहते हो। तुम हमारे साथ हाथ मिलाओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ ही कॉलोनी भी उड़ा देंगे। तेरे तीन फंटर यही सोच कर आए थे, क्या हुआ उनका? तीनों मौत की खटिया पर लेटे हुए हैं। हम जानते हैं कि वो तुम्हारे ही आदमी थे, अब जाओ वरना माजी सटके। एक बात भेजे में घुसा ले, अगर मेरे को टच किया काका तो तेरी जान पे डालूंगा डाका। अपने आप को हमरे गुस्से से दूर रख, अगर हमरी सटकी तो तेरे दिन भर गए। निकाल, चल निकाल। चेहरा तो देख इसका, सूर्या ने उसका बैंड बजा दिया। आप सिर्फ बोलिए, राशन कार्ड से उसका नाम कटवा देंगे। अगर उसे अभी मार डाला तो 3 घंटे का मजा 3 सेकंड में खत्म हो जाएगा। यमराज भी जिस मौत से डर जाए ऐसी मौत मारेंगे उसे। राजा शैतान सिंह है हम। हम तो सुने हैं कि फ्लाइट में एयर होस्टेस बढ़िया बढ़िया खाना सर्व करती है, हम तो अपना मटका भर के खाएंगे। अबे वो तो ठीक है, लेकिन तेरे वजन से प्लेन ना उड़ा तो उसका का? जिम का नक्शा किसने बदला? यार तूने इतनी मुश्किल से ये जिम बनाई थी, इसकी ये हालत किसने कर दी यार? ये तोड़फोड़ कौन किया? वो शैतान सिंह के आदमी यहाँ आए थे। चलो। ए, वो छोरियों का जिम ट्रेनर जो कायरों की तरह भाग गया। ए, सुन लो, आज तुमको राजा भैया का पावर पता चलेगा। बहुत चर्बी चढ़ गई है ससुरे को। उसको पता नहीं है कि किससे पंगा लिया है। यार तुम लोग कमाल करते हो, जब ये हुआ तो तुम लोग फोन करके खबर नहीं दे सकते थे? हम सोचे तुम्हें फोन करके डिस्टर्ब काहे करें। तू सिर्फ बोल, उसको लाकर तेरे कदमों में डाल देंगे। हाँ। नहीं राजू, जाने दो। अरे पर उन्होंने हमें मारा है। तुम अपने दोस्त के लिए जरा सी मार नहीं खा सकते? हम तेरे दोस्त है, तेरे लिए जान भी दे सकते हैं। कंट्रोल इमोशन, ओवर एक्टिंग मत कर। ए, इसे क्या हो गया? ये सऊदी जाकर बदल गया है। सुबू श्रीराम ठीक है ना? ए, वो बिल्कुल ठीक है, हमें बहुत से काम करने, टाइम वेस्ट मत करो, चलो। हमें लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। सुबू लव हो गया? क्या बात है, वो लड़की दिखती कैसी है? छोटी है, नाटी है, मोटी है, पतली है, कैसी है? ठीक से देखे नहीं यार। ठीक से देखे नहीं और प्यार हो गया? फेस का दीदार नहीं हुआ पर हाइट बॉडी सब देख लिया। नाक की रिंग टिंकिंग चमक रही थी और हम उसके प्यार में खेल गए। अरे तू क्या कर रहा है? ये दुखी आत्मा इतना रो क्यों रहा है? लगता है ये भी प्यार कमा रहा है। क्या हुआ, काहे रोते है? कुछ नहीं, ऐसे ही रो रहा है। जो तुमका रुलाया हम उसे रुलाएंगे। हमका बेबी ने मारा। कौन सी बेबी, कूट गई? वो ताड़ का पेड़ जैसी लंबी है। काहे मारा रे? हम वो आई लव यू बोले रहे। आई लव यू कहने पर गरीब को मारा, हम भी उसे आई लव यू कहेंगे। ये डॉटेड टी शर्ट वाली
आई लव यू कहने वाले को मारेगी। हाँ। भाइयों और उनकी बहनों, दुनिया के कानून के हिसाब से कोई भी लड़का किसी भी लड़की को आई लव यू कह सकता है। अगर लड़की को मंजूर ना हो तो उसी कानून के हिसाब से उसे ना कहने का अधिकार है। लेकिन उसे चाटा क्यों मारा? हाँ? रूल क्यों चेंज कर रही हो? चल छोटे जा, अब कहाँ सोचा था? नहीं बुड़बक जा। नहीं भैया, आई लव यू के चल, अगर नहीं बोला तो हम तुझको मारेंगे। बोल, अगर कुछ हुआ तो तुम संभाल लेना। आई लव यू। ये तो कंटम दे दी, तो हर पत्ती सी ठीक है। तुम हमारे ऊपर टेस्टिंग कर रहे थे ना? आई क्यू अच्छा है, गुड गुड। वो टिंगू था इसलिए तुमने उसे मारा। अब ये लंबू तुमसे कहेगा आई लव यू। आई मार 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 मार, देख क्या रही है, मारना। अरे मारना, अरे कहाँ जा रही हो? अरे रुको रुको, मारो ना, दोनों गाल दे रहा हूँ, मारो ना। चल ना, खाना हजम नहीं होगा, मारो ना। ए मारो ना, एक गाल पर मारो, मारो ना। कहाँ जा रही हो? जब तक तुम चाटा नहीं मारोगी हम आई लव यू कहते रहेंगे। ए गुलाबो, आई लव यू रे। कितना मजा आया। हाँ बहुत तासु फिल्म थी यार। ऐसा ए लाल चढ़ी मैदान खड़ी, ऊपर क्यों चढ़ी? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। हेलो, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। सब लोग ध्यान से सुने, हम इस लड़की को आई लव यू कहने जा रहे हैं। आई लव यू, बेवकूफ कहीं का। चलो चलो ना जल्दी। अबे झापड़ी के, सड़क छप प्यार करेगा, हमरी वाली को छेड़ता है, उस लाल परी को सिर्फ हम आई लव यू बोलेंगे और कोई नहीं। नर्सरी से प्यार करते हैं उसको, वो तुम्हारी बहन है। उसके साथ हम अगले हफ्ते बदलापुर के फार्म हाउस में भी रुकेंगे। आई लव यू। बताओ तुम सैटरडे 10 बजे कहाँ थी? जहन्नुम में थी, तुम्हें आना है? स्विमिंग पूल, वही सेम नाक की रिंग, डायमंड वाली। अब फुल हार्ट से कह रहे हैं आई लव यू। बहुत जोर है रे तेरे में। डबल इडियट, ट्रिपल थैंक्स। हाय, तुम्हारे नाक की डायमंड रिंग हमारे दिल में होल कर गई है। हमने ये बात किसी से नहीं कही है, श्री की कसम। ईश्री कौन है? वो हमारा लंगोटिया यार है, उसी की कसम। ओ। अगर तुम्हारी फीलिंग्स भी हमारी फीलिंग्स से मैच करती है तो उसी फीलिंग्स के साथ आई लव यू बोल दो। यहाँ आप क्या देख रही हो? यस आई लव यू। जीवन मिल गया, हमारे सारे सिग्नल क्लियर हैं। तो अब का इरादा है? इरादे तो बहुत नेक हैं। आप हम जरा फ्रेश हो के आते हैं, तब तक तुम तने ढंग के कपड़े पहन कर आ जाओ। तुम फ्रेश ही लग रही हो, हमारा नाम नहीं जानोगी? आप नाम में का रखा है, हमें तुम्हारे नाम से नहीं तुमसे प्यार हुआ है जानू। ओ फूलन देवी, पहले अपना नाम तो बताओ। तुम्हें कैसे पता? हमारा नाम फूलन ही है, हमारी दादी ने रखा था, पसंद नहीं आया का। पिन चेक नाम है। क्या शाम को डिनर पर चलें? डिनर का डिस्को पब भी चलते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम? व्हाई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जो मंदिर जाए वो भक्त कहलाता है, जो पब जाए वो लवर संग कहलाता है, हमारी तरह। आई एम रेडी। वेरी नॉटी। यस हॉटी। जी हम का सुन रहे हैं, लव एट फर्स्ट साइट। बिना नाम और आईडी के तो ट्रेन की तत्काल टिकट नहीं मिलती, और तुमको लव का पास मिल गया, वो भी पहली नजर में। हाँ मिल गया, लव एट फर्स्ट साइट। थैंक यू। दो ऑरेंज जूस। जोक मार रहे हो? टकीला। ओ फकीरा, दो टकीला। ओके सर। वाओ। आइला, तुम तो एक ही झटके में पी गई, पक्की बेवड़ी लगती हो। नहीं, स्टैमिना बढ़ाने के लिए। लोग स्टैमिना बढ़ाने के लिए लींबू जूस पीते हैं, लेकिन तुम टकीला में लींबू डालकर पीती हो। भाई साहब, शी इज सो फनी। तुमका खुश देखकर हम खुश हुए, लेकिन तुम्हें बेवड़ी लड़की पसंद है ना? कोई डाउट है? हमारे दिल के समंदर में भी अल्कोहल है। अर्जेंट कॉल है, 1 मिनट। फकीरा, वन मोर टकीला। ओके सर। हां हेलो अनुराग, आ रहा हूं। हे हम ऊपर आते हैं। हेलो। हाय हाय। हमें जूस देना और उस लल्लू को टकीला देना, समझ गए ना? ओके मैडम। अब उस लल्लू की औलाद को पता चलेगा कि एक शरीफ लड़की से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। उसको की नानी याद आ जाएगी। लव एट फर्स्ट साइट का भूत ऐसे उतारेंगे कि दोबारा चढ़ ही नहीं पाएगा। और प्लान के मुताबिक जब हम तुम सबको फोन करें तो चले आए। ठीक है। अब उस चूहे को पता चलेगा कि उसने शेरनी के मुंह में हाथ डाला है, सही है ना? ये लड़के के लिए टकीला और मैडम के लिए एप्पल जूस। हाउ वाओ, प्लीज चेंज मेरे टकाटक जानू के टकीले। यप चॉप। तेरे क्या कहने रे, तो उसके होंठ से लगा रे। मिस्ड मी जानू, ये तो गया काम से। हाँ सही कहा। चीयर्स।
आइला क्या स्पीड है रे तेरी, अपन भी ट्राई करता है। ये टकीला पी के तो ये गिर गई। फूलन उठो उठो आराम से संभल कर, लगा तो नहीं। चलो बहुत भारी हो, कौन सी चक्की का आटा खाती हो, कहाँ चले? तुम्हारे घर चलते, वहाँ हमारी इज्जत को खतरा होगा। तुमका हम पे ट्रस्ट नहीं है का? उनका ट्रस्ट भ्रष्ट हो जाएगा तुझे। नो नाइट चार्ज, आराम से, ऑटो है, 7 सीटर नहीं। अच्छा यहाँ बिस्तर है, चटाई नहीं, वैसे ज्यादा भारी नहीं है, स्लिम ट्रिम है। हमारे कपड़े किसने बदले? गुड मॉर्निंग। हमारे कपड़े किसने बदले? हमने बदले, और कोई है क्या यहाँ? हमें छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत की नहीं, स्किल की बात है, जो हमारे पास है। हमारे परमिशन के बिना तुमने हमें... hold, 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 hold. अगर कोई लड़की नशे में है और तुम्हारे कमरे में आने के लिए कहती है तो क्या तुम उनका फायदा उठाओगे? हा? शराफत से तो नहीं, लेकिन दोनों की रजामंदी हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो लड़का क्यों डरे? लव एट फर्स्ट साइट में हमारी काइट की डोर तुमने ही तो काटी। हमें ऐसा करने पर तुमने मजबूर किया, और सच तो ये है कि हम तुमसे प्यार करते ही नहीं, तुमका सबक सिखाने के लिए हमने झूठे प्यार का नाटक किया था। अच्छा, तुम्हारे अंदर तो कलाकार छुपा है, तुम्हारे लिए हमारा प्यार मल्टीप्लाई हो गया। No shouting! I hate you! I want to kill you! हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। किसकी विकेट गिर गई? पहले पीकर गिरी, अब जोश में होश खो बैठी। आइए डॉक्टर, प्लीज नर्स, बराबर चेक करना, शायद घरवाली बने। हैंगओवर हो गया है, काफी ड्रिंक्स पी होंगी। काफी ड्रिंक्स नहीं डॉक्टर, फर्स्ट टाइम पी थी। इनके कपड़े चेंज करने हैं। ओ प्लीज कैरी ऑन। कारे हीरो, लड़की नशे में टुन थी तो उसे रूम पर ले जाने के बजाय यहाँ हॉस्पिटल में ले आयो। शक्ल से तो छिछोरे लगते हो, वो लड़की का मिस्टर बनना चाहते हो ना? हमका तो लगता है तो उसकी प्रॉपर्टी छीनना चाहता है, पर वो का बाप तेरी शक्ल देख के फूटी कौड़ी नहीं देगा। अच्छा ये बता कि पहली लड़की है या ऐसी बहुत सी लड़की है जिनको अपने चक्कर में फंसा के रखा है तूने? लिट्टी चोखे के सत्तू की कसम, वो लड़की ही हमारे बच्चों की माँ बनेगी। डिलीवरी तुम करोगी ना? पहले लड़की से पूछो। उसमें लड़की से क्या पूछना, मुझे तुम पर भरोसा है सिस्टर। शादी का कार्ड भेज दूंगा। इंतजार रहेगा। पता नहीं लड़कियों को हमारी शक्ल देखने के बाद ऐसा क्यों लगता है कि हम लड़की नहीं पटा सकते। वो तो मजे चखाना चाहती थी, पर मजे तो लल्लू के हो गए। अरे फिकर नॉट, उसे फोन कर लेते हैं ना। अरे तू है कहाँ, तूने फोन तक नहीं किया, वैसे तू इस वक्त कर कहाँ रही है? वो आराम कर रही है, एड्रेस दे दो हम लेकर आ जाते हैं। हम तुम पे फालतू में शक कर रहे थे। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर अपने कॉलेज की तरफ से टूर्नामेंट्स खेलने आए हैं, आप हमारी दोस्त की मदद किए उसके लिए थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। इसे ले जाओ। हाय श्री, अरे कब से इंतजार कर रहे थे तुमरा, कहाँ थे तुम, कहा हुआ था कल? अरे कुछ तो बोलो। बोलोगा कि नहीं? अरे यार बहुत लॉन्ग स्टोरी है। लॉन्ग स्टोरी या रॉन्ग स्टोरी? बिग स्टोरी। ये बता तूने हमें मिस कॉल क्यों दिया? वो अपनी बहन से मिलवाने के लिए। कहाँ है वो? अरे उ रही, सबसे लंबी ब्लू टी शर्ट पहनी हुई। हाँ भाई। है मेघना। क्यों है, कल्टीवार वही है। अबे वाट लगे, ये तो श्री की बहन है। लोचा हो गया। श्री हम दूर से दर्शन कर लिए, बाद में मिलेंगे। बाद में कहा है, अरे वो सामने तो है, दो मिनट रुक। क्या हुआ, रेस हार गई? खैर छोड़ो, ये है सूर्या हमारा बेस्ट फ्रेंड, और ये है सुबू। तुम अपने हॉस्टल में थी और हम लोग यहाँ पर थे, इसीलिए तुम दोनों का कभी मिलना नहीं। अरे गुस्सा काहे कर रही हो, गुस्सा तो हमें करना चाहिए। 2 दिन से प्रैक्टिस की वजह से तुम हमसे मिली नहीं और उसके बाद भी रेस हार गई। सुनो दोस्त, तुम खामखा सीरियस हो रहे, तू बीच में मत बोल। हमारी हार की वजह जानना चाहते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड। तू कोने में चल, मैं समझाता हूँ तुझे। अपनी लंबी स्टोरी शॉर्टकट में समझाते हैं। तेरी बहन को प्रपोज किया था, उसने रिजेक्ट कर दिया। मामला नहीं जमा, वो बहुत ही खतरनाक है। सॉरी भाई, पता नहीं था तेरी बहन साले को कहाँ ले जा रही हो। हमरा कहाँ होगा, आपका दोस्त इतना गिरा हुआ है, अच्छा होगा कि फ्रेंडशिप यहीं पर खत्म कर दूँ।
वो सही लड़का नहीं है कि तुम हमको बता रही हो। ए, जानता ही क्या कह रही है? क्या कह रही है? दोस्ती तोड़ दे तुमसे, तोड़ दे। तोड़ दो अच्छा रहेगा। मुंह बंद रख अपना। अरे तुझे समझने में इससे कोई गलती हो गई है, हम क्लियर कर देंगे। कुछ नहीं करो, अनक्लियर ही रहने दो। अरे चलो बैंक से टाका नहीं मिलाना। नाक के डायमंड ने मुझे मार दिया। तो तुम भी सऊदी गए रहे? श्रीराम कैसा है? वो तो वहाँ मैनेजर का भी मैनेजर बनने की कोशिश में लगा है। ऐसा दोस्त पाकर हम गर्व महसूस कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हमका अफसोस है कि उसका तुम जैसा दोस्त। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं अंकल? और ना ही तो का कहें, तुम्हारे जिम में हमेशा गुंडे ही दिखाई देते हैं। जिंदगी में सेटल होने के बारे में भी सोचा है कि यही उठा पटक करते रहोगे? ओले ओले सेटल हो जाएंगे ना। कुछ नहीं होगा। श्रीराम को देखो, उसकी वजह से आज हम रिटायर होकर आराम कर रहे हैं। पूरे घर की जिम्मेदारी ले ली है, अपनी बहन की शादी करवा रहा है और इसे इंटरनेशनल खिलाड़ी बना रहा है। अपने दोस्त को देखकर तो कुछ सीखो। उसे और आपके परिवार को देखकर बहुत कुछ सीख रहे हैं हम। प्यार भर दिया है आप लोगों ने। काका, तुम कभी नहीं सुधरोगे। हर इंसान के जीवन में टारगेट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारे जीवन का भी एक बड़ा टारगेट है। और वो का है कि जीवन में कभी भी कोई टारगेट मत रखो। तुम्हारी खोपड़ी में कुछ है? किसे बैठिए, हम आपको श्री के भेजे हुए गिफ्ट देते हैं। ये आपके लिए। शीर्षा को शादी में चमकाने के लिए पूरा ब्यूटी पार्लर भेजा है। ये तुम्हारे लिए है। सच लो, अब मुंह लटकाने की कोनो जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए भी गिफ्ट है। ये लेकर हिल स्टेशन चली जाओ। अरे वो तो एक हफ्ते में इंडिया वापस आ रहा है, तुम्हारे हाथ का है भिजवा। वो क्या है ना कि फ्लाइट में ज्यादा वजन पर डबल भाड़ा लग जाता है ना। स्वागत नहीं करेंगे हम। ये आइटम बॉय कौन है? बड़े अंकल हैं। अंकल हैं? शक्ल से रईस लगते हैं। बिजनेसमैन हैं। 10 लाख शेयर्स में, 50 लाख रियल एस्टेट में और 20 लाख फूड इंडस्ट्रीज में। कमाए? नहीं गवाए। नहीं नहीं, हमारा मतलब है अभी तक वापस पाने का कॉन्फिडेंस नहीं गवाया। वैसे हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। अच्छा याद दिलाता हूँ तुझे। तू हमें देखता कैसे? पहले तू बहुत छोटा था ना। जब यहाँ आते थे तब हम दाढ़ी रखते थे। पहले बाबा थे ना हम। पहले मोह माया के लिए बाहर गए, उसी मोह माया के लिए यहाँ आए हैं। फुलना नहीं यार। अरे एक छोटा सा अटैक आया, तुम सब हमरे पीछे ही पड़ गए। पेशेंट बनाकर हमरी पेशेंस का इम्तिहान मत लो। ससुर के टुकड़े पर पलने वाले घर जवाई, उठो। वैसे इनके हाथ में अटैक है और तू अटैक दे रहा है। हमका तो लगा आप गए ऊपर। बहुत अच्छे। श्रीशा, श्रीराम के जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, तुम वो डॉक्यूमेंट्स लेकर हमारे साथ चलो, हम उसे मेल कर देते हैं। अरे अरे, एक हफ्ते बाद उनकी एंगेजमेंट है, उसे बाहर कहाँ ले जा रहे हो? मेघना को ले जाओ। हम नहीं जाएंगे। ले भी नहीं जाएंगे। अरे अरे अरे, तुम लोग कब बड़े हो गए? चले जाओ बेटी, घर का ही काम है। पर हमारी प्रैक्टिस शुरू होने वाली है, हम कैसे जा सकते हैं? तो कल जाते हैं। चलेगा। मेघना कल रेडी रहना। जरा पलट, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों के बीच में बोलना नहीं चाहिए। तुम और बड़े दोनों शक है का? उल्टू। सुनो, हम एक सवाल पूछेंगे, जवाब दोगे। पूछूं? पूछना। शादी के बाद आदमी के पैर उल्टे होते या नहीं, आज रात हमें बताना। शादी के बाद आदमी के पैर सीधे नहीं तो का उल्टे होंगे? ये हमका उल्टा पलटी करके पलटने की कोशिश कर रहा है। कहाँ गया वो? तो कब के निकल लिए? सुनिए ना, आज हमारी शादी की सालगिरह है ना। वो दिन कैसे भूल सकते हैं जब हम बकरा बने थे। आराम करो तुम। जरा देखा, हमरे पैर सीधे हैं, टेढ़े हैं। अरे ध्यान से देखो। दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो जाओ तुम। जानू, अब क्या हुआ? 12 कब के बज चुके हैं? 12 तो रोज बजते हैं। ऐसी उंगली करती रहोगी ना तो कांटे पे कांटा चढ़ जाएगा। अब बताओ। चुड़ैल जैसे हैं। गलत जवाब। सो जाओ, गुड नाइट। तुम सो गई क्या? बताओ, पैर सीधे हैं? तेरी सिस्टर का है मुन्ना? वो तो अंदर वीडियो गेम खेल रही है। हा? तुम हमरे बापू को चैलेंज किए थे ना, दुनिया का कोई भी चैलेंज पूरा करना उनके बाएं हाथ का खेल है। डायलॉग में दम है लेकिन बापू पानी कम है। अब हमरे बापू की कथा सुनो। बापू, तुम्हारे सवाल के हिसाब से हमने सारे पोजीशन ट्राई किए, हमारा पैर सीधा था। कुत्ते वाली पोजीशन में भी हमारा पैर पूरा सीधा का सीधा था। और जब 3 बजे हमने दोनों पैर उठाए, खटिया पे कुत्ते की तरह सो रहे थे। मतलब कल रात को तुम कुछ नहीं कर पाए ना। मुन्ना तनिक बाहर जा। जा भैया। शादी की सालगिरह 4 साल बाद आती है, वो भी तुम टांग उठा के बर्बाद कर दिए। अगले 4 साल तक हमें छुए ना तो टांग तोड़ देंगे। सुषमा, सुषमा, सुषमा।
काबे बोल रहे तूने हमका चूना लगाया ना, जो हम नहीं कर पाए वो तूने कर दिया। सही समझा, वैसे भी हम बहुत पक चुके हैं। सुनो, हमरे मायके से तुम्हारे खर्चे के लिए जो पैसा आता है वो भी बांध मुझे। तूने हमरे अंदर के विलन को जगा दिया है। सोचा और रात को भी जागे हो। अरे तुम अब भी यहाँ हो, तुम्हारे पास कॉमन सेंस नाम का चीज है कि नहीं? अगर ये गधे के पास कॉमन सेंस होता तो ये गधों को सरदार ना होता। और तुम भी इसका समझा नहीं सकते का? इसका समझाने से बेहतर है कि हम चुल्लू बर्बाद में डूब मरे। हमें अच्छाइयां भी हैं। 10 मिनट तो लेट हुआ है, मेट्रो का काम चालू है ना इसलिए लेट हुआ। देखो ये श्रीराम का काम है, गड़बड़ ना ही होनी चाहिए। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, डू नॉट फिकर। तू इन्हें चूरन दे रहा था ना, चाट लेना। सुनो, मेघना को संभाल कर लिया ना, ओके? वन पीस में लाऊंगा। सुनो बेटी, इस चिरकुल के साथ बाइक पर जा रही हो ना तो संभाल कर जाना। घबराइए मत, हमें फुल एक्सपीरियंस है। गरम तवे पे मक्खन भी पिघल जाता है, तुम तो फिर भी नादान लड़की हो। हम मक्खन नहीं लोहा हैं। बहुत हो गई मटरबाजी, तुम उसे छोड़ोगे तभी तो ले जाएंगे ना। चलो गाड़ी यू टर्न में डालो, रिवर्स गियर में डालो, आओ चलो। सुनो हाफ टिकट, ये हमें बहुत बड़ा झोलर लगता है, इसे एक्सपोज करके हम खिलाड़ी नंबर वन बनना चाहते हैं। बापू अब पुरुष नहीं माँ पुरुष हो। घोजू, हमारी बटन जैसी आंखें सीसीटीवी कैमरा है, सब रिकॉर्ड करता है। बाइक जरा साइड में लगाओगे प्लीज? यहाँ कहीं कोपचे में चलते हैं ना, वहीं नैन में टक्का करेंगे। तुम्हारी सोच ही गंदी है। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे बारे में ये नहीं जानते कि तुम क्या सोचते हो हमारे बारे में? कहाँ ले जा रहे हो हमें? सॉरी मेघना, तुम्हारे घर वालों से हमने झूठ कहा, हम तुम्हें भगा कर ले जा रहे हैं। यही सुनना चाहती हो? कितना गंदा सोचती हो तुम। चलो बैठो। तोरे जिम का क्या हाल किए थे याद है ना? अब यहाँ तोरा हाल भी वही करेंगे। ये तो बोला था कि हमको दुनिया से उठा देगा। काबे बोलती बंद हो गई, अब डराना। कोई दूध पीता बच्चा भी तुझे देखकर नहीं डरेगा सड़ियल। तू किसी कार्टून फिल्म के विलन की तरह दिखता है। हीरो तो हम है, हम बैंड बजाएंगे तुम सब। इका बकवास कर रहा है। इका भूल दे। तू काहे को बीच में पड़ता है, इससे बात कर रहे ना हम। अबे डर क्योंकि ये राजा शैतान सिंह के चेले का पंजा है। अब पड़ेगा शेर का पंजा, हो जाएगा तू गंजा। चल मेरे हीरो डायलॉग बोल। हमरे 10 तक गिनने से पहले सब यहाँ से 9, 2, 11 हो जाओ। अगर कोनो दिखाई दे तो हम उसके 12 बजा देंगे, देन डोंट टेल मी। तो गिनती शुरू कर, हम भी तो देखें कितना पढ़े हो। दोश। तुम 10 से ही शुरू कर दिए। तुम्हारे उल्टे दिन शुरू हो गए इसलिए उल्टी गिनती है। 9, गुजराती 8, मराठी 7 और आया 5। अरे 6 कहा गया? अरे गलती हो गई। काशियम कर, हम अकेले 100 पे भारी हो, इन सबको संभाल लेना। ये हाफ टिकट इधर है। धो क्या? लगता है वो मुच्छड़ का बॉस है, इका ही लपेट लेते हैं। ए भूतनी के, हम तुमको बुला रहे हैं और तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। भाग नहीं रहे थे, ओवरलोड हो गया था साहब। नाम क्या है बे तेरा? शिवकाशी। तो का शिवकाशी में पटाखे बनाता है? बनाने की क्या जरूरत है, हम कोई पटाखे से नहीं तो यहीं फोड़ देंगे। आजकल के माहौल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। ए कार्टून, तोरा उससे का कनेक्शन है? किससे? इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। तो कॉमेडी कर रहा है? हमारा आदमी नहीं वो बाइक वाला। हम किसी बाइक वाले को नहीं जानते। तो उसने काहे कहा? काशी अंकल भाग जाओ, यही कहा था ना। माँ कहती थी तले तोड़ के भाग जा, बाप कहता था पाकिट मार के भाग जा, दोस्त कहते थे लड़की को हाथ मार के भाग जा। राम कहानी नहीं, ये बता तू कौन है या तू कहाँ मिलेगा? भाई अगर वो हमारा सगा संबंधी होता तो उसका पता होता। भाई हमारा एक ठोक काम करोगे का? अगर वो आपको दिखे तो हमका एक मिस कॉल दे देना। नंबर है 400027444 लिखा है। झोल झाल टेलीकॉम चोर बाजार से लिया, कॉलर ट्यून बजेगी। ये राजा शैतान सिंह के गुंडे थे ना? हाँ ये उसी के गुंडे थे। सुनो फट्टू, आते वक्त रास्ता बदल लेना वरना बहुत पड़ेगी तुमको। अम्मा भैंस की टांग, तुमको कैसे पता चला कि हम फट्टू हैं? कैसे पता चला तुमको? ओवर एक्टिंग बंद करो, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अगर वो हमको किडनैप कर लेते तो हा? तुम तो हमारी फुल्लन देवी हो ना, हमका लगा तुम उनसे निपट लोगी। What my foot? जाकर मारो ना उन्हें, पहलवान जैसी लगती हो, दंगल करो, कुछ हुआ तो हम है। खुद को हीरो समझते हो? हीरोइन बनोगी हमारी? धो डालेंगे तुमको। ओ, होल्ड, हम यहाँ क्यों आए हैं? हम वहाँ चाय पर जाकर तुमको बताते हैं। चलो फकीरा, दो पानी कम टकीला। यस सर। सॉरी, दो अदरक पुदीने वाली चाय। आज चाय से काम चला लो। ओ गोरखपुर के इमरान हाशमी, आशिकी कर रहे हो? ओ छपरा की लैला, एक दूसरे को आई लव यू कहने में कितने दिन कितनी रातें लगी? लव एट फर्स्ट साइट। का 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 का, फिर से कहो ना, लव एट फर्स्ट साइट।
मतलब पहले दिन दिल एक्सचेंज हो गए। सुना, इसे कहते हैं मोहब्बत। लड़की हाथ बढ़ाएगी, लड़का साथ निभाएगा। समाज की परवाह ना करते हुए डायरेक्ट हाँ, नो बॉल पे ही छक्का मार दिया। कैसे? हाउ, उससे सीखो हाँ बोलना। हाउ ये तो बोल बच्चन की दुकान है, मुंह ही बंद नहीं होता। इतना तो लड़कियां भी नहीं बोलती। वॉशरूम में बहुत टाइम लगा दिया, जहाँ ठंडी हो गई। चलते चलते चुस्कियाँ ले लो, गर्म है पर कड़क है। ये तोड़ फोड़ में तुम्हारा ही हाथ है ना? सच सच बताओ। हमारा हाथ पैर नहीं है, खामखा शक कर रही है। कैसी लड़की है रे तू? हाँ हाँ, हमें डम्बो मत समझो। तुम जम्बो डम्बो हो। यहाँ पर दंगा फसाद होने वाला है, लेकिन डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके सर, टी रेडी सर। आया तम्बे, रंडक का पचाए से कुछ नहीं होगा जी, पूरा बारात के लिए बनाओ। दरवाजा बंद कर दो ताकि भागने न पाए। अबे खानदानी गुंडा है हम। हमरे अंदर भी गुंडा छुपा है, अगर हमने उसे जगा दिया तो शहर में कोई भी गुंडा चैन से सो नहीं पाएगा। वाह, तोहरे डायलॉग में तो पंच है। हमरे पंच में भी बड़ा पंच है तम्बे। आवा सर, होटल का बीमा है? यस सर, बट अभी नहीं है। हम करवाएंगे। इंश्योरेंस मैनेजर हो? डैमेजर है। इंश्योरेंस की जरूरत तो अब तोहरे को पड़ेगी। अबे भुने हुए भुट्टे मारने की हिम्मत है तुझमें? इसका मतलब क्या है? वो टकला से पूछ ले। वो जिसको इसने अभी कहा बोला? हमारी भाषा नहीं समझेगा। अभी सुलझाता हूँ ये कुत्ती। पेन पेपर ला, कम ऑन। ये कहा बोला था? हाँ, गुत्थी सुलझी? इसने मत कर। अबे थोड़ा टाइम दे, सुलझा के बताएंगे। तू सुलझा, सुलझाओ सुलझाओ। सुलाई में लगा है। अबे गुत्थी सुलझने दे, फिर मारेंगे। तू क्या देख रहा है, सुलझाना? सुलझ रही है गुत्थी, सुलझ रही है। केजी के बाद आप लिख रहे हैं, टाइम तो लगेगा ना। अबे लुखे, कितना अनपढ़ गवार है तू। हम है ना तेरी गुत्थी सुलझाने के लिए। अगर किसी ने मुझको टच करने की हिम्मत की तो उसको आज रात यहीं पे दफन करके मैं निकल जाऊंगा, पर हाथ नहीं आऊंगा। सुलझ गई तेरी वजह से हमारी गुत्थी, सुलझ गई। उल्टा डायलॉग कितनी तेजी से बोलते हो आप। चिकन यार हो का हमरे, सब मिल के मारो इका। अरे भैया जी, हमारी सेना तो लेट गई। वड़े तू इसकी टीम में क्या कर रहा था? पार्टी बदल ले। हम तो इनकी हेल्प कर रहे थे। कर रहा था? तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, कसम खाता हूँ। तूने सबको मारा तो हमको काहे नहीं मार रहा है? चल हाथ उठा। अरे भैया इतना बोल रहा है तो इनको भी थोड़ा प्रसाद दे दो ना। और इस बच्चे ने क्या गलती की है, टीका भी दे दो। बाकी सबको इतना कूटे हो, हमें भी कूट दो, वरना शैतान से कम बाद में बहुत कूटेगा। सुन पपीते, अपने बॉस से जाकर कहना कि हम उसकी धुलाई करना चाहते हैं। हम उसे कुत्ते पर बिठाएंगे और गधे की तरह धुलाई करेंगे। रुको ना मेघना, तुम जानना नहीं चाहती हो हम कहाँ जा रहे हैं? इतनी जल्दी कहाँ है, बाद में बता देना। क्या खूबसूरत जगह है। ओह वाह, कितना मजा आ रहा है। मेघना जोरदार लोकेशन का मजा लो। हाँ
ये बुलडोजर हमका ऐसे क्यों घूर रही है? कहीं चपटा तो नहीं करेगी? हम आपसे नहीं उससे बात कर रहे थे। जब से हम जवान हुई है हमारे बड़े दिल में किसी के लिए ऐसी फीलिंग नहीं आई है। देखो तुम कहीं भी मुंह मारो पर हमें पता है कि तुम सिर्फ हमसे और हमसे ही प्यार करते हो। तुम हमारे बिना नहीं रह सकते। मुँह की बात छीन ली, कहाँ जा रही हो डियर? सेम टू सेम फीलिंग हियर। तुम जैसी हट्टी कट्टी भरे दिल वाली कन्या हमने आज तक नहीं देखी। सामने से दावत दे रही हो, घोड़ी चढ़ने से अच्छा है हम नारियल के पेड़ पे चढ़ जाएं। बेगम, do you love me? Hello? इससे भी love at first sight हो गया? One minute, babes. अनार बम है ये, तुम्हारी जैसी मिर्ची बम नहीं। I love her. प्यार में छोटा बड़ा दुबला पतला कुछ नहीं होता। चार पाई पे अकेले सोने से अच्छा है कि हम इसके साथ जगें। तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट नहीं करना, आओ जल्दी निकलते हैं। कहाँ क्या शादी करने? हम हनीमून पर जाएंगे, साथ में तीन जुड़वा बच्चे लाएंगे। बस मंगलसूत्र डालने की देरी है, मंदिर ऊपर है और हम दोनों की जोड़ी सुपर है। आ जा। तो इस डायनामाइट को फटने के लिए तुमने भेजा था? लड़की हंसी मतलब हंसी। वैष्णवी को जानती हो? हाँ, दो चार बार उससे फोन पे बात हुई है। श्री भैया इसी टेंशन में रहते थे कि उसकी फैमिली से उसकी शादी के बाद कैसे करेंगे। अच्छा ये तो बताओ कि उनका अफेयर कहाँ तक पहुँचा है? वही सब पता करने और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने हम और सुब्बू सऊदी गए थे। सारी औरतें एक जैसी है, पहचानना मुश्किल हो जाता होगा ना? अगर औरतों के बारे में कुछ बोला ना तो वो तुम्हारी जबान काट लेंगे, अगर घूरा तो तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे, अगर छुआ तो तुम्हारे हाथ काट डालेंगे और अगर उससे आगे बढ़ा तो समझ गया ना? समझ गया। श्रीराम बैंकॉक के बदले यहाँ का है काम कर रहा है, यूज़लेस फेलो। बैंकॉक में होता तो तू क्या उखाड़ लेता? कहाँ गायब हो गया? ये तो गजब हो रहा है यार। अब ले लेंगे। अरे सूर्या की हालो। अरे हमें यहाँ डॉलर का बंडल दिख रहा था। रसगुल्ला खा के दिमाग खराब हो गया। अरे रसगुल्ला यहाँ कहाँ मिलेगा? ये देख ये होलोग्राम फोन है, मोबाइल के अंदर की फोटो बटन दबाते ही बाहर दिखती है। क्या कमाल का फोन है यार। पर यहाँ बैठकर श्रीराम तक थोड़ी ना पहुँचेंगे। चल बाहर चल, वो वेट कर रहा होगा। चल आजा, उठ जा। अरे श्री तो आया ही नहीं, लगता है किसी जरूरी काम में फंस गया होगा। हमारे पास उसका एड्रेस है ना, चल टैक्सी पकड़ते हैं। आजा चल। चल 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 चल, थैंक यू। बिल्डिंग तो यही लगती है। ये ड्राइंग कौन बनाया? लगता है किसी ने सुसाइड किया है। साईं सोनलाल मेरे मित्र कैसे हो? अरे बाबा आई एम फाइन। इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे बाबा अंदर चढ़ो नी, सब बताता हूँ। चलो चलो। अरे तुम भी आओ। सब खैरियत है ना? अरे बाबा ऊपर चढ़ो नी। बड़े साए दिन से रात हो गई, अब तो बता दो कहीं सरप्राइज पार्टी तो नहीं? सरप्राइज नहीं, मूनलाइट पार्टी। तुमने जो वहाँ ड्राइंग देखी वो श्रीराम के हाथ हुआ मर्डर है। तुम्हारा मतलब मेरे भाई ने मर्डर किया है? हम जानता है कि ये सच नहीं है, पर क्या करेगा, पुलिस नहीं मानती ना। किसका किसका खून किया है मेरे भैया ने? वैष्णवी का। हाँ, उसने उस लड़की का खून किया है जिससे वो प्यार करता था और शादी करना चाहता था। अरे वरी श्रीराम। हे श्री, ये सब क्या हो गया यार? डर नहीं, बैठ बैठ, ये ले पानी पी, पानी पी। हे श्री यहाँ देख, हमारी तरफ देख, बता क्या हुआ, क्या हुआ? वैष्णवी मर गई। वैष्णवी की मौत की वजह से श्री बहुत दुखी था। उसने हमें अपने मोबाइल पर खींची हुई वैष्णवी की आखिरी फोटो दिखाई। तुम जानते हो हमारी माँ कितनी स्ट्रिक्ट है? अगर तुम्हारी माँ स्ट्रिक्ट है तो हमारा दोस्त बहुत ही स्मार्ट।
वो आसानी से उन्हें मना लेगा, सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेगा और सब ठीक कर देगा। मतलब तुम शादी सिर्फ एंजॉय करने के लिए कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म किस बात की, तुम एंजॉय नहीं करोगी। हम में डेयरिंग कम है पर प्यार तो सच्चा है। तुम्हें राजकुमारी की तरह रखेंगे, तुम्हारे लिए खाना बनाएंगे और सारे बर्तन भी धो दिया करेंगे। और कपड़ा कौन धोएगा? वो भी धो देंगे। और बच्चों का काम हम ही पैदा कर लेंगे। ओ, हम कैसे कर सकते हैं? हमका लगा था कि तुम एक दिन हमका डोमिनेट करोगे, इसलिए सारे प्रूफ संभाल के रखे। ई का है? ई रहे तुम्हारे लिखे सारे लव लेटर्स। वापस दो हमको। नहीं देंगे। ई लेटर्स तो हम पूरी जिंदगी अपन पास रखेंगे। प्लीज वैशु, एक मिनट। माय डियर वैशु, हम तुम्हारे लिए दीवाने हैं। जब पहली बार मिले थे तब हमको लगा था कि तुम हमको गले लगोगी, पर तुमने तो दूर से टाटा कह दिया। वैशु, तुम तो हमारी पूरी दुनिया हो, हम तो तुम्हारे लिए सूली पे भी चढ़ जाएंगे। वैशु प्लीज दे दो ना। नहीं देंगे। प्लीज वैशु, नहीं, कम ऑन यार। बिल्कुल नहीं। नहीं वैशु, नहीं यार। हम अपने फ्रेंड्स को दिखाएंगे। वैशु कम ऑन यार। अरे हम नहीं देंगे, कहा ना। वैशु प्लीज दे दो ना। नहीं। इन्वेस्टिगेशन में उन्हें पूरी तरह से डाउट था कि उसकी मौत श्री के हाथों हुई है। इस बात से वो काफी घबरा गया और डर के मारे वो पुलिस से भागता फिर रहा था। सऊदी में खून के लिए मौत की सजा सुनाई जाती है और उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो छुपता फिर रहा था। श्रीराम हमें उस हादसे के बारे में बता रहा था कि तभी वहाँ पुलिस आ पहुंची। मौत ही हमारा आखिरी रास्ता है। सऊदी में बेल या कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं होता। श्री, और हमरे और वैष्णवी के अलावा इस हादसे का कोई गवाह भी नहीं है। जेल की सलाखों के पीछे घुट घुट कर मरने से अच्छा है यही अभी अपनी जान दे दे। पागलों जैसी बात मत कर, नीचे उतर। अगर तू पास आया तो हम अभी कूद जाएंगे। नहीं श्री, हमरे पास मत आना, कूद जाएंगे। ठीक है, कूद जा, पर तू खुद को उस गुनाह की सजा दे रहा है जो तूने किया नहीं है। अब ये जिंदगी एक सजा बन गई है। हमारी वैष्णो भी हमको छोड़कर चली गई है। इससे बड़ी सजा हमारे लिए और कहाँ हो सकती है? आखिर तुम्हें हो क्या क्या है, जरा प्रैक्टिकली सोचो। पूरी फैमिली की जिम्मेदारी तुम पर है। ए, श्री, अरे बाबा। श्री, तुम ठीक है ना बाबा? तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, हम इंसाफ करेंगे, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। वैष्णवी की समात में श्री राम की बेगुनाही का कोई सबूत ना होने की वजह से इसे कत्ल तस्लीम किया जाता है और अदालत भी इस बात को तस्लीम करती है कि वैष्णवी को श्री राम ने धक्का दिया और उसकी रूह परवास कर गई। ये साबित हो चुका है, इसलिए शरीयत और कानून का फैसला है कि श्री राम को मौत की सजा दी जाए। ये फैसला गलत है। देखिए जनाब, हम भी इंडिया से हूँ, इसलिए इस केस में पर्सनल इंटरेस्ट लिया है, पर अफसोस हम साबित न कर पाए कि ये एक एक्सीडेंट था। अल्लाह उस पर रहम करे। अब केस हमारे पास के बाहर है, एक बार सऊदी की रॉयल कोर्ट मौत का फैसला सुना देती है तो बस तारीख का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। देखो बाबा, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद एम्बेसी वैष्णवी की बॉडी उसके पेरेंट्स के हवाले कर देगी। सर सर सर, इंडिया में फांसी की सजा हो तो प्रेसिडेंट माफ कर सकते हैं, क्या सऊदी में भी कुछ ऐसा है? सऊदी में ऐसा कानून नहीं है, ये हक किसी को नहीं दिया गया। बस सिर्फ एक ही रास्ता बचा है जिससे कि तुम्हारा दोस्त बच सकता है, मर्सी पेटिशन। वो कौन देगा? अगर लड़की शादीशुदा है तो फिर उसका पति, अगर वो कुंवारी है तो उसके माता पिता को ये हक जाता है। आपका मतलब अगर हम ये मर्सी पेटिशन उसके माँ बाप से ले आते हैं तो वो सजा से बच सकता है? आज तक नहीं देखा कि किसी विक्टिम के माँ बाप ने मर्सी पेटिशन पर साइन किया हो। अब तो सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, तुम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हो। इस मुल्क में
जुर्म करने वाले को सजा भी यही मिलती है। हम मानते हैं, पर ये बात तो उन पर लागू होती है जिन्होंने गुनाह किया हो। हम अपने बेगुनाह दोस्त के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। हम गुजारिश करते हैं, एक बार हमें उससे मिलवा दीजिए प्लीज। हम वापस इंडिया जा रहे हैं। हम ये मर्सी पिटीशन साइन करवा कर ही लाएंगे। हम तुम्हें रिहा करवाएंगे, भरोसा रखो। उके पिता कोई आम इंसान नहीं है, और वैष्णवी हमेशा हमें अपनी माँ के बारे में बताती रहती थी। वो भी उसूलों की बहुत पक्की है, बहुत सख्त है, पर हमें डर है कि कहीं तुम हमारी जान बचाने के लिए उनके पास जाओ और वो गुस्से में तुम्हारी ही जान ना ले लें। वहां मत जा यार। हमें बस इतना बताओ कि वो कहां है, बाकी हम पर छोड़ दो। वो लोग पूना के एमजी रोड में रहते हैं, वहां उसकी माँ से पहले मिलना, शायद वो इस बात को समझ सके। सूर्या, पापा की सेहत ठीक नहीं रहती, अगर उन्हें हमारे बारे में पता चला तो उन्हें एक और हार्ट अटैक आ जाएगा, और शायद इस बार उसे सह ना पाए। फिक्र मत करो, सोहनलाल ने तुम्हारी कंपनी में बात कर ली है, वो सब कुछ अच्छी तरह से संभाल लेंगे, बाकी हम पर भरोसा रखो। ओके हे दोस्त, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे यार। तुम्हारे बर्थडे पर केक का नाश्ता करेंगे, वादा करते हैं। हमारा भाई इतनी बड़ी मुसीबत में और हमको आप बता रहे हो? जवाब दो, हमको ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सच सुनकर तुम्हारी यह हालत हो गई तो जरा सोचो, तुम्हारे पिताजी तो हार्ट पेशेंट हैं, उनका क्या होगा? इसीलिए तुम्हारे भाई ने किसी को बताने से मना किया था, पर हमें लगा कि तुम्हें बताना ठीक रहेगा। मर्सी पेटिशन पे दस्तखत करवाने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये रहा वो मर्सी पेटिशन, लड़की के माँ बाप से ये साइन कराना है। क्या आप अपने पति को बाहर बुलाएंगी? आप तनिक इंतजार कीजिए। बाहर आपसे मिलने के लिए कोई आया है। बड़ा कौन हो सकता है? तनिक एक मिनट के लिए गुस्से को ब्रेक लगाना प्लीज। क्या करूं, कहीं ये खामोशी आने वाले तूफान के पहले की तो नहीं है? अब क्या, जब डायलॉग बाजी से काम न चले तो ओवर एक्टिंग करनी चाहिए। पाए लागू साहेब। ससुर के नाती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर पर आने की? काट डालो इस ससरे को। हे भगवान, ये सुधरेंगे नहीं, आज भी मारामारी करेंगे। ए जा, दरवाजा बंद कर। ऐसे कैसे बोलते हैं जी, हम कोई सब्जी तरकारी है जो हमें काट डालेंगे? हम भावनाएं समझते हैं, क्रोध मत पालिए, सेहत के लिए हानिकारक है। अगर आपको हमारी बात से तकलीफ हुई हो तो हम मन से माफी मांगते हैं। ये कह रहा था कि आपकी लुंगी निकाल के पुंगी बजाएगा। तुझे शर्म आनी चाहिए, इतने महान इंसान की धोती उतारेगा? इसकी बातों में मत आना, ये एक नंबर का झोल पट्टी आदमी, पूछे इस टकले से। हाँ भैया जी, ये सही कह रहा है, इसने ऐसा नहीं कहा था। थैंक यू। आपको कुत्ते के जैसे मारेगा। टी का सर धड़ से अलग करके बीच चौराहे पे टांग दो। आज तक अपना टाइट कॉलर भी कोई टच नहीं कर पाया है। तेरे से शुरुआत करूँ क्या? तेरे से तेरी कहाँ साहेब, जरा देखा कहा, कैसे इन लोगों को झांसा दिया। यहाँ से व्यू बहुत बढ़िया है। अब बोल बच्चन खत्म, फाइट करें। Oh,
हमका पकड़ो। अरे चांस नहीं मारे, पकड़ो। अपने सारे आदमियों को बुलाओ, ससरा बचने न पाए। एक ही दुकान बंद कर दो। अगर वो बचा तो हम नहीं बचेंगे। हाँ? पूरा। अरे पकड़ो का, जल्दी बचो, गाड़ी निकाल, चलो जल्दी पीछा करो उसका। मुफ्त की आइसक्रीम खा लेते हैं। टेंशन मत लो, हम है ना। तुम यहीं बैठी रहो, हम आते हैं। इसका साथ देकर तो हमारी मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं। इससे छुटकारा पा लें तो हम मर्सी पिटीशन साइन करवा सकते हैं। हेलो एसीपी साहब। कौन, कहाँ से? सर हम यहाँ हाईवे के पास वाले बैंक्वेट हॉल में हैं। जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पर आ जाइए। कौन, कौन बोल रही हो? नाम बताओ, नाम बताओ। इससे काम चलाओ, आइसक्रीम बाद में खाते हैं। बताए तुम्हें, इनका भी लव मैरिज हो रहा है। लड़की ने लड़के को 5 साल अपने पीछे भगाया, फिर आई लव यू का। तुम्हें तो कोई घास नहीं डालता, फिर भी तुम इतनी अकड़ती हो। क्या समझती हो, शक्ल पर मक्खी तक नहीं बैठती, फिर भी अकड़ देखो। स्टेज देखो। शादी में रुकावट के लिए खेद है, हम यहाँ किसी को ढूंढने आए हैं। तू यहाँ हॉल में ही छुपा है आप लोगों के बीच में, इसीलिए बाहर जाते वक्त आप लोग मेन गेट हमारे साथ रहना डेंजर है। दूसरा गेट से नहीं जाइएगा। औरतों के झुंड में तुम रहकर कल्टी मार लो, बाहर चलकर तुम्हें कुल्फी चटाएंगे। ओके, सबको चलिए, सब लोग मेन डोर की तरफ एक एक करके बढ़िए। किसी को पता ना चले कि तुम हमारे साथ ही। जाओ जाओ, को को को, आराम से आइए आइए, आराम से आराम से, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। चलिए चलिए, धीरे धीरे बढ़िए, चलिए चलिए। ए हीरो, हमसे बच के कहाँ जा रहा है? अरे तुमको ही तो ढूंढ रहे थे, चलो। अरे हम तो बड़का बड़का मुजरिम पकड़ा है, तुम तो चीटी है। कहाँ देख रहा है, रिश्ता जोड़ेगा? चल चल, बहुत परेशान किया है तू, चल लेके चलते हैं तुमको शैतान सिंह के पास।
बोलो बोलो किसका नहीं कटा? ओ मैडम टिकट कटा क्या? हमको एक टिकट चाहिए। एक ही लोगी? अरे दूठो लो, हम उका पकड़े थे पर उस ससुरा भाग गया, तो हम सोचे कि तुमको पकड़ लेते हैं, वो तो तुम्हारे पीछे आ ही जाएगा। बाइक पे चिपक के बैठती हो ना? मैडम एक काटे की दो ठो। तीन दे। हेलो, हमको मालूम था तू आएगा। कंफर्म है का? तुम्हारा डिमोशन। सेलफोन साइलेंट पे तो नहीं? वाइब्रेशन में? हाँ उसी की तरह तुम भी वाइब्रेट होने वाले। हेलो, तुम कहाँ हो? हम बस में बैठे सर। बस में कहाँ है? बिटिया का जन्मदिन है सर, लड्डू लेने जा रहे हैं। तुम सूर्या को अरेस्ट काहे किए? काहे के सर? एफआईआर बनाई? नहीं सर। काहे? वो राजा शैतान सिंह है ना। तुम शैतान सिंह या शंकर दादा के चमचे नहीं हो, तुम सरकारी मुलाजिम हो, चुपचाप से सूर्या को छोड़ दो। थानेदार साहब, हमें हथकड़ी पहनाओ। हमारे साथ मजाक मत करो। बिटिया ये ससुरा बहुत अच्छा लड़का है, हो सके तो इसके साथ भाग जाओ, हम भी भागते हैं। तेरी तो क्यों हीरोइन, हमें लटका कर तुम सेफ रहना चाहती हो? पगला गई हो का? शैतान से मिलने जा रही हो? ओहो प्रॉब्लम अकेले सॉल्व करोगी? कैसे 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 करोगी? सुनिए सुनिए, हमारे भाई ने मर्डर नहीं किया, उसे तो प्रेम हो गया था, आपको तो गलत फहमी हो गई है। वो मान जाएंगे और बीवी से कहेंगे, सुनती हो ये क्या कह रही है, देखो हमारी वैष्णवी का कातिल इसका भाई है जिसने उसे गलती से मार दिया। लाओ पेपर हमें तो बेटी। सुरेखा पेन लाओ। तुम्हें क्या लगता है, वो कहेंगे तुम्हारे भाई ने फर्स्ट टाइम गलती की है इसलिए छोड़ रहे हैं। चीर डालेंगे, आंखें फाड़ फाड़ कर मत देखो, सच कह रहे हैं। क्या नाम था उस बटले का? हाँ तुम्हारा शिव काशी अंकल। उसे गोनी में भर कर घोड़े पे बैठ कर टुकड़ुक 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 झांसी की रानी बनकर उस शैतान सिंह को मारने जाओगी? पैरों से कुचल डालेगा तुम्हें। शैंपू लगा लगा के भेजा भी साफ हो गया है, हम पे विश्वास करो। हम तुम पे विश्वास काहे करें, कौन सा काम किया है तुमने? एक हो तो बताएं, इतने किए हैं कि याद ही नहीं। जोर के झटके जोर से लगा। हाँ लड़की को रिश्ता मंजूर है इसलिए। राजा जी आप यहाँ काहे आए? फोन पानी में गिर गया था इसीलिए कॉल नहीं कर पाए। वो कहाँ है? वो कहा है कि वो भाग गया। शैतान जी इसी ने उसको छोड़ा? अरे नहीं नहीं भैया, अगर उसको नहीं छोड़ता तो हमारी नौकरी जाती। नौकरी खोने से डरता है, मौत से नहीं डरता। लगता है वो भाग गया आपके डर से। वो भागा नहीं है, वो हमको भगा रहा है। शेर के घर में घुसकर वो चूहा हमको धमका रहा है। चाहे जितना मुंह मार ले, वो चूहा कभी शेर नहीं बन सकता। सऊदी साहब तुझे इतने दिन हो गए लेकिन अब तक तूने कुछ नहीं किया। मोटे हमारी बात कान में ध्यान से ले। मीडिया को फोन लगा और पूरी फौज को जल्दी से यहाँ बुला ताकि श्रीराम के घर वालों को मैटर पता चल जाए। हमें शैतान सिंह से किसी भी हाल में मर्सी पेटिशन साइन करवाना है, इस बारे में सोचो। अगर शैतान सिंह ने साइन करने से मना कर दिया तो श्रीराम का क्या होगा? आइडिया, अगर हम जेल तोड़कर श्रीराम को भगा लाए तो? अरे वो कोई पंछी का पिंजरा नहीं है कि तोड़कर ले आएगा, सऊदी का जेल है वो, समझा? सूर्या बोला, अगर हम उसकी गैंग में शामिल हो जाए तो काम बन जाएगा। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है लेकिन प्लान जरा सा हट के होगा। हम उससे दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे बल्कि दुश्मनी का। अब तक तो वो हमारे पीछे पड़ा था, अब से हम उसके पीछे पड़ेंगे। सूर्या ये सब तो ठीक है पर श्रीराम को बचाने के चक्कर में तू अपनी जान जोखिम में मत डाल देना भाई। डर मत, हमें कुछ नहीं होगा, अपनी जान दांव पर लगाकर हम श्रीराम की जान जरूर बचाएंगे। शैतान सिंह, तुझसे बड़ा शैतान आ रहा है, चलो रे। सुनाने से पहले तू मर काहे नहीं गया? सूर्या को हमारे कदमों में लाओ। बोलो वो कहाँ है? वो का लेकर आओ, राजा शैतान सिंह उसको धूल चटाएगा, ढूंढो उसे। का कहा? तुम गेम में पार्टिसिपेट नहीं करोगी? नहीं। अरे अचानक तुम्हें कहाँ हो गया है? तुम्हारे भाई ने तुम्हें चैंपियन बनाने के लिए कितना पैसा बहाया है और तुम हो कि नेशनल्स खेलना नहीं चाहती हो? लगता है तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया है। मेघना, भैया को पता चला तो उनका दिल टूट जाएगा, तनिक सोच के तो देखो। हिमा सोचना का है, इसे पार्टिसिपेट करना होगा। नहीं डैडी प्लीज, हमें फोर्स मत कीजिए, हम नहीं खेलेंगे। हाँ?
तुमरी ही वजह से हमरी होनहार और चैंपियन बेटी नेशनल्स में खेलने से मना कर रही है। हम का किए अंकल? तो फिर कौन किया? जरूर इसी ने उसे बहकाया होगा। जलेबी की तरह सीधा है ये। हम बात करते हैं, समझाते हैं। हमरे भाई को फांसी की सजा मिलने वाली है और ऐसे में हम गेम पर कैसे फोकस करें? सुनो, पुराने हिंदी फिल्मों की तरह घिसे पिटे डायलॉग मत बोलो। तुम्हें क्या लगता है जिनका खून का रिश्ता होता है सिर्फ उन्हें चिंता होती है? श्री और हम एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। हम दोनों के लिए हमारी दोस्ती सबसे बढ़कर है। तुम तो काफी इमोशनल हो गई। इमोशनल नहीं हुए, हम कुछ सोच रहे थे। तुम्हारा कहना है कि तुम दोनों की दोस्ती खून के रिश्ते से भी ज्यादा गहरी है, खोखली फ्रेंडशिप। खोखली कहती हो? काफी लोगों ने इसे तोड़ने की कोशिश की है, काफी लोगों ने दरार डालने की कोशिश की, हमें दुश्मन बनाना चाहा, पर कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे हिसाब से ग्रेट फ्रेंडशिप कैसी होती है? लव को दोस्ती के लिए डोनेट कर दे, जीती रेस दोस्ती के लिए हार जाए, हम कुटे तो दर्द उसे हो, यही ना, यही दोस्ती है। मेघना, हम जानते हैं कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, पर तुम्हें हम पर विश्वास रखना होगा। श्री राम वापस आएगा, उसे कुछ नहीं होगा। वो तुम्हें चैंपियन बनाना चाहता था, जब वो आएगा तो कहाँ जवाब दोगी? Come on, start practice. चलो हमारे साथ। नहीं जाई, ईद तो हरे झांसे में नहीं आने वाली। तेरे जैसे रोड साइड रोमियो बहुत देखे हमने, कहाँ समझते हो खुद को है? तू यहाँ पे आके खड़े रहे हमारे पास, तू है कौन? तू कोई तीसवा खाएगा? क्या कर लेगा तू हमरा? जवाब दे। सुनो, होगा हमसे काशी अंकल, आप इतने चिड़चिड़े तमतमाए और बौखलाए हुए क्यों हैं? ऐसा ना हो कि हार्ट फेल हो जाए, यहीं खड़ी रहिए। जाओ अंकल के लिए बीपी की टैबलेट लाओ, जाओ। आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये टैबलेट तुम खाओ। दर्द हुआ? मर्द दर्द होता है। आउता की गंगा में काहे डुबकी लगाए जा रहे हो? मेघू के साथ तुमको देखकर हम इमोशनल हो गए थे। सनी की तरह काहे चिल्ला रहे हो? ये सनी कौन है? जी, सनी को नहीं जानते? याद आ गया, यमला जेट, ओनली वन पीस। सही कहा, समझ गया। पर इतनी ओवर एक्टिंग काहे को कर रहा है? अच्छा, कितना फुटेज खाता है वे? कहा कहा था तूने, बता, बोल। ले 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 ले, धक्का मारा था ना हमका? मार और धक्का मार मुझे, और मार धक्का मुझे। अरे अभी तक आई नहीं है। काशी अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, हम है ना आपका ख्याल रखने के लिए। दो दो दवाई दो काशी अंकल को, दो दवाई, खाओ 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 ना। तुम जाइए, ये टॉफी की गोली नहीं है, जाओ जल्दी पानी ले करो, वरना ये मर जाएंगे। जाओ जल्दी, चल जाओ, ले जाओ। पहले ही तुम इस घर के माल को काफी लूट चुके हो, आइंदा कभी मेघना या उसके बाप को डील के बारे में चूना लगाया तो उनके नीचे। अब दवा दारू की जरूरत नहीं है, ठीक हो गए हैं। काशी अंकल, अपना हाल चाल बताइए, आप ठीक है कि नहीं? हम ठीक हैं। जाओ जाओ, तुम लेकर जाओ इसे, आइए। डैडी, आई एम रेडी। ऑल द बेस्ट। हे मेघना, जम के मेहनत करो। थैंक यू। ये तो तैयार ही नहीं थे, फिर कैसे? ये सब तो शिव काशी अंकल का जादू है। ऐसा काकी, हमने प्यार से समझाया, क्योंकि किसी ने दबा के हमको प्यार से समझाया था। प्यार बांटते चलो। तो हमने काशी अंकल प्यारे प्यारे भोले भोले क्या प्यार से समझाया है, मजा आ गया। चलो बाय बाय। सूर्या, शैतान सिंह के आदमी तेरी तलाश में हैं। बता रहा है कि डरा रहा है? अबे बता रहे हैं। अरे यहाँ कहाँ आ रहा है? अरे ये तो पूरी फुटबॉल टीम लेकर आ रहा है। शंकर दादा, शैतान सिंह का नंबर वन दुश्मन। शंकर दादा और शैतान सिंह के बीच में पहले से ही 36 का आंकड़ा है। भाई लोग, हमारा नाम है। इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट मत करो, मैटर बोलो, मुंह खोलो। मैटर ये है कि पूरे शहर में पिछले 20 सालों से किसी ने भी राजा शैतान सिंह के खिलाफ लिकर टेंडर भरने की हिम्मत नहीं की, और अगर कोई हिम्मत किया तो मर गया। पर अब लोगों में उसकी दहशत कम होने की वजह से वो परेशान हो गया है, और उसकी वजह तू है। पर चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तू हमसे हाथ मिलाए तो हम इस साल का टेंडर भर देंगे, क्योंकि जितना कमीशन चाहिए बता देना, हम दे देंगे। तुम नेशनल गेम खेलना चाहती हो ना? पहले किचन में जाओ और सब्जियां काटो।
गुस्से में फर्स्ट फ्लोर से कूद जाओगी, लेकिन यहाँ एक फीट तक नहीं उछल रही हो। अगर इसी तरह से तुम प्रैक्टिस करती रही तो कुछ नहीं होगा, रेस हार जाओगी तुम। कलाकार और खिलाड़ी पर चिल्लाना नहीं चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। कौन से झंडे गाड़े हैं जो तारीफ करूं? बोल बच्चन, देना आसान है, हमारी तरह पसीना बहाना मुश्किल। हाँ देख रहा हूँ कितना बहा रही हो, ये कोई बच्चों का गेम नहीं है, नेशनल कॉम्पिटिशन है। तुम्हारे सामने एक से एक चैंपियंस होंगे, लाओ हमें दो, पास आओ, पोजीशन ले लो, चलो। कूदो कूदो और ऊपर। बस बस हो गया, ये लो पकड़ो इसे। ये सब क्या है? क्या है ये सब? चॉकलेट खा खा कर चर्बी बढ़ गई है, ये सब क्या है? अगर इसकी तकदीर बनानी है तो सबसे पहले इसकी फिगर बनाओ। काम करो चर्बी, खिलाड़ी बनेगी। हम लोगों की कमजोरियों से पैसे कमाने का शौक नहीं पालते हैं। शंकर दादा, तेरे ये चमचे तुझे सलाम ठोकते होंगे, लेकिन अपुन से पंगा लेने वाला खुद ठुक जाता है। इनकी पगार के बराबर अपना रोज का खर्चा है। अपुन को तू बस एक वचन दे। कैसा वचन? कि तू कभी भी मार्केट में जहरीली शराब नहीं बेचेगा। नहीं बेचेंगे भाई। पहले तू हमें तू तू करके बुला रहा था, अब भाई पे आ गया। अगर तू रंग बदल सकता है तो हम क्रिकेट के बाप हैं। हम जाना था तुम ईमानदार हो, हम तुमसे दुश्मनी काहे करेंगे? हमारी दुश्मनी तो शैतान से है। चलते चलाओ। सूर्या, शैतान सिंह के दुश्मन से दोस्ती करना जरूरी है क्या? शैतान पाटिल से दोस्ती करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। राजा भाई, खबर मिली है शंकर हमारे खिलाफ लेकर टेंडर भरने वाला है। अरे वाह, मतलब वो कुत्ता टांग ऊपर करके हमरे टायर पे मूतना चाहता है। उसका टांग ऊपर कौन कर रहा है? सूर्या। हाँ, शंकर और सूर्या ने हाथ मिला लिया है। सूर्या सूर्या सूर्या, वो हमरे काम में टांगे उड़ा रहा है। और तुम सब भी रात गई बात गई वाली पब्लिक हो। वो हमरी प्रॉपर्टी और बिजनेस पे हमला किया, हम चूड़ी पहन के बैठ गए हैं। भाई आप लिख लो, वो कुत्ते की मौत मरेगा। अबुल भाई के गुंडों को हमने यहाँ बुलाया है। हाँ। अबुल भाई, अब तुम भाड़े के गुंडे हायर करोगे का? हमका तुम लोगों की जरूरत नहीं, हम अकेले ही उसके लिए काफी है। अगर उसको नहीं टपकाया तो आधी मूछ निकाल के घूमेंगे। जो टकराएगा डेड एंड के पहले ही डेड हो जाएगा। शैतान भाई, मुन्ना तिवारी का फोन था कि नीलामी आपका इंतजार कर रही है। चलो। राजा भाई, हमने सारी सेटिंग कर दी है, वही पुराना डाव चलेगा। आप बेफिक्र बोली लगाइए भैया। शंकर दादा, शंकर दादा, शंकर दादा। भैया अगर वो जिंदा होता ना तो यहाँ पर बैठा होता, वो ससुरा तो डूबा हुआ है। स्टार्ट करो। शगुन की बोली है 200 करोड़ 1 रुपया, अगली बोली 10 करोड़ बढ़ के होनी चाहिए। बेकार के रूल है, अगर हमको रूल बताओगे तो हम रिजल्ट बता देंगे। अरे भैया हम तो अंतर्यामी है, हमका सब पता है। Oh,
और हमरा बोली 550 करोड़ है। हमरी 600 करोड़। हमरी 625 करोड़। हमरी बोली 650 करोड़। हेलो, शैतान की कुर्सी के नीचे बम है, बोली बड़ा शुरू हो जा। लगा बोली पढ़ाते हैं। हमरी बोलती बंद, पूरे 700 करोड़। 750 करोड़। हमरी 800 करोड़ भैया। 800 करोड़ एक, 800 करोड़ दो। रुको, हमरी बोली 810 करोड़। हमरी बोली 850 करोड़। चलिए 850 करोड़ एक, 850 करोड़ दो। 900 करोड़ रुपए। 900। हमरी बोली 1100 करोड़। 1100 करोड़ रुपए। 1100 करोड़ एक, 1100 करोड़ दो। भाई अब नहीं, इसने तो 1000 करोड़ पार कर लिया। 1100 करोड़ तीन, फाइनल। मैडम, हमें साइन करना नहीं आता है, अंगूठा ही ले लीजिए। नमस्ते। शंकर और सूर्या ने मिलकर हमारे साथ ही गेम खेला है। भैया गलती हो गई, हमका माफ कर दो। धोखेबाज, इतने साल हमरे पीछे पीछे दुम हिलाते हुए घूमता था तू, आज तोरी हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई? कितना परसेंटेज खाया? परसेंटेज नहीं दिया भैया, वार्निंग दिया। वार्निंग से डर गया तू डरपोक? इसने बोला तू डर गया? का कहे भैया, डरा दिया कि बम रखा है। बम कहाँ रखा है? तुम्हारी कुर्सी के नीचे। भैया ये बम देख कर तो हमारी किडनी में हार्ट अटैक आ गया, हमारे अपने और पराए बच्चों का कहा होगा। तो कमाल हो गया, नजरों के सामने से बम गायब हो गया। चलो छुपम छुपाई खेले। ये तो ट्रैवलिंग बम लगता है, वहाँ से यहाँ आ गया। हमरी तो धोती गीली हो रही है। ये बम तो हमारी गर्लफ्रेंड की तरह हमसे चिपक गवा, जल्दी से इससे ब्रेकअप कराओ, नहीं तो तुम सब हम फट जाओगे। हम कोनो गोली वोली नहीं दे रहे हैं। अरे छाती छोड़ दी, अरे ये तो रिटर्न टिकट लेके आ गया। देख देख, इस बार परमानेंट गया ना। अगली बार पंगा लिया तो कुर्सी के नीचे नहीं तेरे बम के नीचे बम रखूंगा। बिन फंदे के लटक जाते। लगता है थारे दिन भी भर गए। हमारा वैलिडिटी 200 साल है। शैतान सिंह, अच्छी ड्राइविंग कर लेते हो, फास्ट एंड फ्यूरियस में चले जाओ। बबुआ तुम्हारा 1100 करोड़ का चूना तो हमें बहुत महंगा पड़ा, अगली बार ऐसा ही चूना लगाना हो तो एडवांस में बता देना हमको। हर इंसान का जिंदगी में आने वाला कल होता है, और वो नहीं जानत है कि वो कल को देखने के लिए वो जिंदा बचेगा कि नहीं। कल तोरा था, आज हमरा है, आने वाला कल तोरा होगा कि हमरा, कोई नहीं जानता है। चल टास कर ले। श्री शाह, श्री शाह, ये लो तुम्हारी शादी का जोड़ा, एकदम झकास है। इसे पहनोगी तो दूल्हा फ्लैट हो जाएगा। इसे जो चाहिए लिस्ट बना ले। गुस्से में सब्जियां काट रही है आंटी। क्या हाल चाल है आंटी? लाइए हम काट देते हैं। रहने दो, श्रीराम का रोज फोन आता था पर इस बार पूरा हफ्ता हो गया फोन ही नहीं। आप कहते हैं कि फोन नहीं आता, वो कहता है कि टाइम नहीं है। आंटी वो छोटी कंपनी में नहीं बड़ी कंपनी में काम करता है, इससे बड़ा पीछे रहता है। बड़ी कंपनी है। क्या बातें चल रही हैं? हम सगाई के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वैसे और कोई बात नहीं है। झूठ बात कुछ और ही है। किस बारे में? सऊदी से श्रीराम का फोन न आने की वजह आपके सामने खड़ा है, इसी ने श्रीराम को भड़काया है, तभी आपको फोन नहीं करता। झूठ काहे बोल रहे हो, अभी तो हमने उससे बात की। वो तुमको फोन किया, हमें काहे नहीं? यहाँ पेड़ बहुत है ना, तो नेटवर्क नहीं है, इसलिए हमें फोन किया। झूठ पे झूठ रिपीट कर रहा है, आपको अभी पता चल जाएगा। लाओ श्रीराम का नंबर लाओ, हम अभी फोन लगाते हैं, जल्दी करो लाओ। आपको फोन नहीं मिलेगा, धोते समय बाथरूम में गिर गया होगा, हम लगाते हैं। हमें भी बात करनी है, हमें उनसे पर्सनल बात करनी है। भैया का फोन है। ये लीजिए, हमें तो हमका बात करनी है। हेलो, कितना प्यार करती है भाई। भाई साहब सुनिए, कैसे हो भैया? हाँ आप लोग बिल्कुल ठीक है? चुपचाप सुनते हैं, आइए। अच्छा आप जल्दी आने वाले हैं? अरे बहुत कपिया लिया, अभी डैडी को फोन करके। काशी अंकल आप बीच में मत बोलिए, यहाँ सिग्नल वीक है। सिग्नल वीक नहीं, ये बेवकूफ बनाने की ट्रिक है। डैड से बात करनी है।
डैडी, भैया हम का बात नहीं करनी। उससे कहा छुट्टी लेकर घर आ जाए और मंगनी करा के चला जाए। चला सुना, डैडी कितने नाराज है क्या? तुमने काशी अंकल के तेल बिजनेस के लिए छुट्टी ली थी, इसलिए छुट्टी नहीं मिलेगी। तो गड़बड़ हो गई। अरे बिजनेस के साथ साथ हमारे बेटे की छुट्टियां भी बढ़ा। अच्छा, अच्छा तुम्हें आने लगे नहीं आ सकते हो? अरे टेंशन मत लो, हम है ना यहाँ पर, हम सब संभाल लेंगे। तुमने जैसा कहा सब हो जाएगा। लो लो लो, मामा से बात करो मामा। अरे हेलो, ये कैसा एरिया है? जंगलों के बीच में सिग्नल ही नहीं आ रहा। अरे आप टेंशन काहे ले रहे हैं अंकल, हम भी तो आपके बेटे जैसे ही है ना। बिल्कुल नहीं अंकल, अंकल अंकल सुनिए, तुम जाओ समझाओ समझाओ। हम है ना यहाँ पर, समझाइए। इधर खड़े रहे, हम तेल बेचने वाले लगते हैं। हमका ऐसा लगा वो हमें काम से छुट्टी लिया। हमका ऐसा नहीं लगता। भैया वो आम इंसान नहीं है, जैसे ही बम फट रहे हैं वैसे उसने कई बम फोड़े हैं। उसने तुम्हारे लिकर साम्राज्य को एक दिन में बर्बाद कर दिया। और बताएं, तुम्हारे माइन वाले धंधे में भी बहुत जल्दी उतरेगा वो, और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ फटेगा। हम तो कह रहे हैं कि सब छोड़ छाड़ के तुम संन्यास ले लो। बेटा तो आपने बांधा है, अब जटाएं बढ़ा के किसी बाबा की तरह आश्रम खोल के बैठ के आओ। कपाल भांति शुरू कर दो, वरना तुम्हारा नाम होने से पहले इन ललुओं के साथ बदनाम होके तुम्हारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। चलते हैं हम गर्लफ्रेंड। शैतान भाई, अब लोगों ने हमसे डरना बंद कर दिया है, हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई। शैतान भाई, वो आपके दरवाजे पे माफी मांगने आया था। अगर आप उस दिन उसको माफ कर देते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। अगर ऐसा ही रहा तो आपकी बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। अब वक्त आ गया है कि आप उनका सबक सिखाएं। भैया जी, सूर्या को और एक मौका दे के देखते हैं। बेसुरो, जल्दी जल्दी काम करो, बहुत काम है। अरे बत्ती सी क्या दिखा रही हो, हाथ चलाओ। बत्ती सी पति को दिखा रहा है। देसी घी लेकर आए हैं, तू आ रही है ना? ए पप्पू, कैटरिंग तू संभाल रहे है या गर्लफ्रेंड से बात कर रहे है? तू क्या, जा जल्दी काम कर। ए बटले, डेकोरेशन कंप्लीट हुई कि नहीं, जा जल्दी चेक कर यार। मेघू क्या कर रही हो? बाल बना रहे हैं। तुम हटो, हम बनाते हैं, तुम्हें डिजाइन बनाना नहीं आता। ये हमारा खानदानी पेशा है। लेडीज लुक हियर, हम आपको बताते हैं कि बाल कैसे सवारते हैं। हेयर स्टाइल करना एक आर्ट है। सुनो लड़कियों, बाल बनाना अब ये चिलगोजा सिखाएगा। गधा कहीं का, बाल बनाना कोई दाल बनाने जैसा नहीं, जो हल्दी डाला उबाल दिया और बस हो गया। क्या तुम्हें हेयर स्टाइलिंग आती है? हेयर स्टाइल आती है। अपनी पत्नी के बाल कभी बनाए? बहुत बार। अभी कलाकारी दिखाओ, हो जाओ शुरू। किसके बनाओ? किसी की भी चूज करो बाल। अभी बनाता हूँ, इस पे चलाओ उंगलियों का जादू। बनाने की जगह पर निकाल दिए। काशी अंकल देखो, उल्लू को उल्लू बनाया। काशी अंकल रुकिए, हम आपकी उजड़ी खेत संवारने आ रहे हैं तेल लेके। काशी अंकल, अक्षय कहाँ है? ए अक्षय, जा अंदर जा यार, दुल्हन की फ्रेंड्स आई हैं। ठीक है। आप यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हैं काशी अंकल? पेट पूजा। हमें भी दो। नमस्ते। दयालु है। अरे अकेला थोड़ी खाएगा। अरे ये बोझा काहे उठा रहे हो? सब खाने में लगे रहेंगे तो काम कौन करेगा? कारे, इनसे मेहनत करवा रहे हो और खुद मजे कर रहे हो? कल तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि सारा काम अकेले कर लो। जाने दीजिए, वैसे काम तो अपने लोग ही करते हैं, और वैसे तो ये मेहमान है, इन्हें खाने दीजिए। खा बेटा खा। खाने के अलावा और कुछ आता है इसे? चलो हटो। कहा कहा था मिल बांट के खा है? अब देखना, श्रीराम को फोन करके इसकी कंप्लेन करेंगे। बैठो, बराती हो ना, बैठ कर ठूसो आराम से। शाम को कहा ठूसे के बता देना। कैसी रही? हमसे पंगा नहीं छोड़ेंगे, देख लेंगे। बहुत दुख रहा है तू। खा 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 खा। केला उठा के अंदर रख। जरा सुनिए भैया, आप वो काम से बुला रहे हैं। तुम जरा ध्यान रखना, हम जी हमारा ध्यान इसी तरफ है। यहाँ एक घन चक्कर है, हर बात में हमसे झगड़ते रहता है। सर नहीं है, हाइट नहीं है, बॉडी नहीं है, उसकी बॉडी का हर पार्ट छोटा है, उसकी ऐसी हालत करो। अरे किचन में मिठाई चल रही है, कोई आके हेल्प करो, वरना लड़की वालों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यहाँ तो कोई नहीं है, कहाँ गए सबके सब? गैस जल रही है, मिठाई जल रही है। छचुंदर, हम जानते हैं तेरी हरकतें, नहीं छोड़ेंगे। हम दिए नहले पे दहला। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। अब एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए।
अबे ये काशी श्रीराम के बारे में बार बार पूछ रहा है, इसीलिए ये ठीक। हमने काशी को दारू पार्टी का लालच दे दिया है। क्या बात है यार, इस बार उस छछुंदर को उसकी नानी याद दिला देंगे। सिट ऑन टेबल, बी कंफर्टेबल। अरे बहुत ही कंफर्टेबल है, मौसम भी बहुत सुहाना है। ऐसा क्या, तो फिर उठाओ ग्लास, हो जाओ शुरू। नीचे जा, बोलो ना, मुँह खोलो ना। मुँह खोले तो सब लोग सुना, बिजनेस बंद करके हमने कारोबार शुरू कर दिया। क्या बात है, इसने बिजनेस बंद करके कारोबार शुरू कर दिया है, क्या बात है। हमने तुम्हारे पीछे जोक सुनने के लिए महफिल सजाई। तुम बोले ना, मुंह खोलो, कुछ बोलो। हमरी कंप्लेंट करता है बटले, ऐसे कूटोगे तो हम जाएंगे। हम भी आएंगे। अच्छा बैठो, हम नहीं जा रहे। एक बात बताओ, 24 घंटे इसी घर में पड़े रहते हो, तुम्हारा गांव कौन सा है? हम तुम्हारे गांव के, ऐसे मारोगे तो हम चले जाएंगे। काशी, शिव काशी, हमारी बीच की उंगली किसने जलाई, बोलो। अच्छा, जली हुई है। कौन जलाई, बोलो बोलो। नहीं जलाई, तुमने जलाई होगी। तो तुमने जलाई तो फिर किसने जलाई? हम कुमार के, तू क्या है, रो रहा है, हमारा हाथ दर्द कर रहा है। तुम इस आज हमने मासूम गाल का क्या होगा? फोन 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 फोन, हमरा ही बज रहा है। सोहन लाल का फोन है, वो हमसे बात करना चाहता है। चलो कोपचे में चलो, तुम यही बैठो काशी अंकल। ओके ओके, गो बाय बाय। एक पैग में इसने हमरा गाल सुझा दिया, पूरी बोतल में पता नहीं काका सुझा देगा, क्या करूं। इन आइडिया, इनसे बचने के लिए सारी शराब पेड़ों को पिला देते हैं और अपने आप को सुईरे से बचा लेते हैं। मिलावट शुरू। हमारी बात हो गई, वो नहीं आ सकता। ड्रिंक बराबर बनाए हो ना? टेस्ट कैसे बदल गया, हमें क्या पता। पहली रात में सफेद झूठ बोलते हो, टेस्ट बदल गया, पता नहीं चलता। बोतल में घुसे, सच बोल। सच बोलूं, तू हम पे हाथ साफ कर रहे थे ना, इसलिए बचने के लिए सारी दारू पेड़ों को पिला दी। सारी शराब पेड़ों को पिला दी, टाइम का हुआ है। एक बच गया। कड़की में पेड़ गिला कर दिया, कहाँ से मिलेगी बोतल? निकाल। किसको? ड्रिंक निचोड़ कर निकाल। अरे बच्चों जैसी बातें मत करो, एक बार डाल दी तो बाहर कैसे निकालेंगे? अबे बोल ना, ड्रिंक निकाल वरना तुझे। हम का कोई फिल्टर है जो दारू निकाल? निकाल जल्दी, गो फास्ट क्विक, जल्दी। डाल डाल डाल, शाबाश, और दबा जोर से, क्या बात है। शाबाश शाबाश, मजा आ गया। वाह वाह वाह, अपना ही ब्रांड निकलना चाहिए, दूसरा वाला ब्रांड नहीं। क्या बोले, एक तो फिल्टर बना दिया, ऊपर से ब्रांड भी चाहिए। घर पे कभी नींबू निचोड़ा नहीं क्या? दबा जोर से। अरे तूने पूरी बोतल डाली थी ना, अभी तो क्वार्टर भी नहीं निकला है। चल, वो दोनों भी लाइन में बैठे, जल्दी निकाल, दबा दबा दबा। निकल रही है, निकल रही है। सूर्या, हमने तो इसमें डाली थी विस्की। अच्छा। पर ये निकली किसकी? काशी, इम्पोर्टेड विस्की पिएगा तुसी। हम पिएंगे। काका, तुम जा रहे हो? कौनो तुमसे कुछ उल्टा सीधा कहा का? हम अपने रिश्तेदारों का पूरा ख्याल रखते हैं, फिर कैसे गलती हो गई? बताओ, ऐसा कहाँ हो गया? पानी सर से ऊंचा हो गया। काका, कहाँ गलती हो गई? आप बस हुकुम देते हो, काशी वहाँ चले जाना, काशी यहाँ चले जाना, कुछ काम ना हो तो काशी चले जाना। आपके ही अत्याचार सह सह के काशी की जिंदगी बासी हो गई है। अगर और अत्याचार सहा तो अत्याचार से प्यार हो जाएगा। अच्छी कर लेते हो। आप तो आपके दिया हुआ खाना गले के नीचे नहीं उतरता। बेबी फूड क्यों नहीं ट्राई करते? एक बात और, अगर हमने दोबारा इस घर में कदम रखा तो हमारी दोनों किडनी बेच के अपने लिए रजाई कंबल खरीद लेना। अरे सुनो, का प्लान कैंसिल कर दूं? नहीं, आज आप इन्हें मत रोकिए, इमोशन के चक्कर में ये अंबारी नहीं बनता। क्या बात कही है। सही कहा, बापू ने पहली बार कोई अच्छा फैसला किया है। अब आप देखिएगा, बापू बड़े आदमी बनकर इस घर में कदम रखेंगे। अब भी वक्त रोक लो। अरे टाइम हो गया, ट्रेन निकल जाएगी। लगता ही नहीं रोकेगा। रुक जाओ, ई वक्त कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे? रुक जाओ ना। अब हमारा घर होगा जमीन से लेके आसमान। ऊपर जाओगे का? तो फिर धरती पे सो जाएगा। हाँ, ये चलेगा। पर क्या करे इस धरती के बोझ का और इस अम्मा का। चलो नौटंकी, एग्जिट है यार, चलो चलते हैं। चल, आप तो चलो, बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा। गुड मेघना, गुड, वेरी गुड, और कूदो, सही जा रही हो। अरे क्या बात है, रुक रुक, जल्दी रुक, फास्ट और फास्ट। अरे तेरा प्लान तो कामयाब हो गया यार, शैतान सिंह बात करने के लिए तैयार हो गया। यस,
मेघना, मर्सी पेटिशन हम साइन करा कर ही लाएंगे, तुम्हें बस अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, ओके? चल चलो यार। राम राम साहब। अरे पिस्तौल नीचे कैसे गिर गई? ये तो मस्त है, कहाँ खरीदे? इम्पोर्टेड है, अमेरिका। बहुत ही ढिंचक है। कच्चे में कुछ छुपाए तो नहीं? ए, हमें गोला बारूद की जरूरत नहीं, हम खुद बारूद हैं। ये आपका बड़प्पन है जो आप हमारे साथ मांडोली करने आए? आप तो ग्रेट हो। जो इंसान आपका दुश्मन था, अगर वो आपका दोस्त बनेगा तो आपका कोई दुश्मन ही नहीं रहेगा। एकदम बराबर बोले, तो आज से तुम हमारे खास आदमी हो, और हमारे खास आदमी को तोहफा देना हमारी परंपरा है। जो चाहो मिल जाएगा। बोलो बोलो क्या चाहिए? हमें पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, आपने माफ कर दिया, बस एक बार कह दीजिए। अरे सूर्या, हमने तो तुमको कब का माफ कर दिया है? हमें नहीं, हमारे दोस्त को। हम तुम्हारे दोस्त को माफ काहे करें? ऐसा का किया उसने? उसने नहीं किया, वो एक्सीडेंट था। साफ साफ बोलो, आपकी बेटी वैष्णवी और हमारा दोस्त। पिता होने के नाते आप ही हमारे दोस्त की जान बचा सकते हैं। सऊदी कानून के हिसाब से आपकी साइन से उसकी जिंदगी बच सकती है। ये रहा मर्सी पेटिशन, इस पर साइन कर दीजिए ना। अरे तेरा दिमाग तो नहीं घूम गया? जिस आदमी ने हमारी बेटी को मार डाला उसे बचाने को बोल रहा है तू? हमारी सारी धन दौलत चली जाए, हमको भीख मांगनी पड़े तो भी हम साइन नहीं करेंगे। हम तो रे उस दोस्त को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। अरे हम तो तुमको भी। खाली बंदूक का ट्रिगर दबाओगे तो हवा ही निकलेगी। हम जानते हैं कि आप पर क्या गुजर रही है, पर हमारा दोस्त बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। आपको जान लेनी है तो हमारी ले लीजिए। कीतड़ अपने मौत की तारीख खुद नहीं फिक्स कर सकता, शेयर कर सकता है। सुनो, तुमका पेपर पे साइन मिला? अभी तक तो नहीं, पर जल्दी मिल जाएगा। तुम गेम पर कॉन्सेंट्रेट करो, इस बार का मेडल तुम्हें ही मिलना चाहिए, वर्ल्ड चैंपियन बनना है तुम्हें। तुम नहीं आओगे का? अरे साइन चाहिए कि नहीं, थोड़ा लेट आऊंगा, पर तुम गेम पर फोकस करना। ऑल द बेस्ट। Yeah.
का बात है बिटिया, आखिर हमारा सपना पूरा कर ही दिए। सूर्या तुम फोटोज लिए हो ना, श्री राम को भेजेंगे। हम मिल कर चुके हैं। गुड, हमारी बिटिया ने पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया। आज के बाद सारे खिलाड़ियों के जुबान पर मेघना का नाम होगा। हाय मेघना। हाय ऋषभ, तुम्हें मैदान में दौड़ते हुए देखकर मैं खुद गिर गया था। तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। विल यू मैरी मी? हेलो मेघना, आई एम विराट कोहली। आपको मैदान में दौड़ता देखकर मेरे दिल की धड़कनें रुक गई। सुनील छेत्री, हाय मैडम, मुझे आपका गेम बहुत पसंद है। डेट पर चलोगी? तुम्हें क्या लगता है कि हम ये कप इसलिए जीते हैं ताकि ये सब सेलिब्रिटी से शादी कर सके? हाँ, तुमने सही कहा मेघना, सिर्फ स्पोर्ट्समैन ही क्यों, तुम जैसा जेंटलमैन भी तो हो सकता। हाँ, है हो भी सकता है। ऐसे ना ही चलेगा बाबू जेंटलमैन, प्रपोज करके दिखाओ। तीन साल पहले से प्रपोज किया था तो लाल झंडी दिखा दी थी, इस बार मारेगी तो नहीं मारेगी। Are you sure? जब बोल गया। का करें, फंस गए। अट्टू हुलन दामाद को मारती है। हेलो सर, सर धन्यवाद सर, सब आपका आशीर्वाद है सर। थैंक यू सर, रखते हैं। हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के साउथ वार्ड के मैनेजर थे, वो हमको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आज हमारी बिटिया की वजह से हमारा सर और ऊंचा हो गया। मेघना के अचीवमेंट से वो भी खुश थे, मुबारकबाद दे रहे थे। आज तो हमारी छाती चौड़ी हो गई, चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ हर कोई मेघना की ही बातें कर रहा है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई डॉट। एम्बुलेंस बुलाई है? हाँ बुलाई है, बस रास्ते में ही है। अरे ये क्या नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, श्रीराम की मर्सी पिटीशन भी साइन नहीं हुई, हालात और बिगड़ रहे हैं और ऊपर से ये सब हो रहा है, हम करें भी तो क्या करें? जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हमें जबरदस्ती इस चैतान सिंह से साइन करवाने होंगे। आज ही पूरी फैमिली को हम खत्म करके रहेंगे, ना ही छोड़ेंगे किसी को, ना ही छोड़ेंगे। सूर्या रुक। गाड़ियों के हवा निकालो, हाथ से चलाओ।
शंकर दादा के आदमियों ने। ससुरा काला नाग है जिसने तुम्हारे साथ मिलकर हमारे भैया को डसने की कोशिश की है। हमने राजा शैतान सिंह को निपटा दिया। अब इस शहर पर हमारा राज होगा। ए, हमारे पार्टनर के लिए कुर्सियां तो ले आ। शैतान सिंह के पॉलिसी के खिलाफ थे, इनके खिलाफ नहीं। तूने वादा किया था जहरीली शराब नहीं बेचेगा, इसलिए हमने तेरा साथ दिया। लेकिन तूने जहरीली शराब लोगों को पिलाई। इन्होंने आज तक जो भी किया है, लेकिन कभी किसी निर्दोष को नहीं मारा है। अगर तेरे जिगर में दम है तो इन्हें हाथ लगा। युद्ध में दुर्योधन को भी कर्ण का सपोर्ट लेना पड़ा था, पर इस दुर्योधन को किसी के सपोर्ट का जरूरत नहीं। इस शहर का एक ही भाई है। अबे देख क्या रहे हो, अबे तुड़ाई शुरू करो। माफ कर दीजिए। देख क्या रहे हो, कुर्सी लेकर आओ। डरने की कोई बात नहीं है, रास्ते के कुत्ते पीछे पड़े थे, हमने उन्हें भगा दिया। चल जल्दी जा, नहाने का पानी निकाल। जी। आप कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। सूर्या हमारी बेटी के कातिल का दोस्त, अगर हमने पेपर पे साइन किया तो इसके दोस्त को सऊदी में फांसी नहीं होगी। ई खातिर इसने हमारी जान बचाई। कोई है? इसे उठाकर बाहर फेंक दो। आंटी, वो एक एक्सीडेंट था, खून नहीं था। हमारी बात सुनिए। तुमने हमें मारकर गलत नहीं किया, अच्छा किया। अगर तुम्हारी जगह हम होते तो जान ले लेते। निकल, निकल यहाँ से। हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। निकल, हम कहते निकल, बच्चे से मार था। सूर्या, न्यूज कंफर्म्ड है, सऊदी कोर्ट ने फांसी की तारीख तय कर दी है।
श्री राम को 7 दिन बाद फांसी। वेरी सैड झूलेलाल। श्रीराम की छोटी बहन। तुम लोग हमें मंदिर में पूजा भी नहीं करने दोगे, एक घर के बाहर और दूसरा यहाँ। रामो। हाँ माँ जी। दफा कर इसको फौरन यहाँ से। ये नहीं तो मालकिन नाराज हो जाएंगी। जिद काहे कर रही हो? जाओ ना मैडम। जाओ ना मैडम, जिद मत करो। हम कह रहे हैं मान जाओ हमारी बात। अरे वो मालकिन हमसे गुस्सा हो जाएंगी, जाइए ना। हमारे भाई को फांसी होने वाली है। वो आपकी बेटी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। वो उसकी जान नहीं लेना चाहता था। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमारे भाई को बचा लीजिए। प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमें ये बताओ सूर्या, तुम्हारा कौन लगता है? कोई नहीं लगता, वो तो हमारे भाई का दोस्त है। देखो, हम अपने पति के दस्तखत मर्सी पिटीशन पे करवा देंगे, ठीक है? बदले में तुम्हारे सूर्या को हमारी छोटी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। हमने आज तक अपनी जिंदगी में उसके जैसा भला इंसान नहीं देखा, जो अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। उसमें एक आग है। बेटा इधर आना। बेटा तुम जाके कार में बैठो, हम अभी आते हैं। भगवान हमारे पापों की सजा हमारे इसी जन्म में इसी धरती पर दे देता है। यही हमारे साथ हुआ। पता नहीं कितने लोगों की बद्दुआएं हमें लगी है। हमारी छोटी बेटी जन्म से ही ऐसी ही है, वो चल नहीं सकती। बड़ी बेटी को भगवान ने हमसे छीन लिया। अब हम भगवान से यही दुआ कर सकते हैं कि वो हम पर दया कर। इसीलिए अपनी खातिर नहीं, अपनी बच्ची की खातिर तुमसे कुछ मांग रहे हैं। सूर्या से हाँ करवाओ। तुम्हारे सूर्या को हमारी छोटी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। ऐसे कौन से काम में बिजी रहता है जो अपने बाप से भी बात नहीं कर सकता? वो
शादी के लिए पैसे भेज दिए तो का सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, सारे रिश्तेदार आ चुके हैं, बस एक वो ही नहीं आया। मेघना, फोन काहे नहीं उठा रही हो, हमें कुछ कहना है, चलो जल्दी आओ। सूर्या, कहाँ ले जा रहे हो हमें? चलो तो सही, हम तुमको सब बताते हैं। आओ। सूर्या सुनो, बताओ तो सही। अरे बाबा, वही बताने के लिए तुम्हें सुबह से फोन कर रहा हूँ, बहुत जरूरी बात तुम्हें। का किए हो तुम हमारे बेटे के साथ? जब से तुम सऊदी से लौटे हो वो हमको एक बार भी फोन नहीं किया। ये सब कहाँ चल रहा है, बताओ हमका, जवाब दो। तुम्हारा तो बेस्ट फ्रेंड है ना, पता है तो बताओ ना। जवाब दो, चुप काहे हो? वही तो बताने आया हूँ, चिल्लाइए मत, वो कल आ रहा है, यही खुशखबरी देने हम आए हैं, पर आप तो तोप की तरह फट गए। आपको उसके ना होने का गुस्सा है या हमरे होने का? दोनों का। अच्छा सुनिए, कल सुबह उसे लेने एयरपोर्ट जाना है, सब लोग तैयार रहना, ओके? ये बात हमको पहले भी तो बता सकते थे। आपने मौका ही कहाँ दिया? वो सब तो ठीक है, शादी के कितने काम बचे हैं, कौन करेगा वो काम? हम करेंगे ना। तो करो ना, खड़े का है। आप ज्यादा मत चिल्लाइए, ओके? केटरिंग, मैरिज हॉल, डेकोरेशन सब हो गया। जानते हैं। सूर्या, क्या? अरे मेघना, हमारी बात सुनो, हमको कामरा भाई सच में आ रहा है? हाँ, उन लोगों ने मर्सी पिटीशन पे साइन कर दिया। तुमरे सूर्या को हमरी छोटी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। देखो, हम अपने पति के दस्तखत मर्सी पिटीशन पे करवा देंगे। सूर्या से हाँ करवाओ। ये कैसे हुआ, ये जरूरी नहीं है, बस हो गया। श्रीराम आएगा तो शादी की तैयारियां देखकर हिल जाएगा। नाउ गो रेडी, गो 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 गो। बच्चों को तलवार से ना ही खेलना चाहिए, उन्हें लग भी सकती है। सूर्या हम दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। वो तो थाली का बैंगन हो गया है, कभी आपकी तरफ कभी हमरे तरफ। हमने तो ये भी सुना है कि आपने अपनी बेटी के कातिल को माफ कर दिया। माफी तो आज तक हमने किसी को ना ही दी, ना ही हमने उसको माफ किया है, और ना ही तुझे माफ किया था। हमरे दोस्त के भेष में आए हुए हमरे दुश्मन, हमने अपनी बेटी के खूनी की जान इसलिए बचाई ताकि हम अपने हाथों से उसकी जान ले ले। उस ससरा कहीं और मरे ये हमको मंजूर नहीं था, वो यहीं पर मरेगा हमरे हाथों से, हमरे आंखों के सामने। हमरी बच्ची, तुमरे खून के बदले तुमरे खूनी का खून। Yourself, वरना बाबूजी हमें गोली मार देंगे और सबको लगेगा कि हमें दोस्ताना है। चल जा, सबसे मिल, जा जा यार। गो, गुड बॉय। हम सब यहाँ बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और तुम जाकर पहले उससे मिले। आप कैसे हैं पिताजी? तुमसे मिलने को दिल तरस गया बेटा, तुम कैसे हो? ऊपर वाले की दुआ से ठीक ही हैं हम। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है भिड़ू। तुम चुप रहो। जी ठीक है। कैसा है हमारा बेटा? अच्छे हैं माँ। और तुम दोनों कैसे हो? हम ठीक है भैया। चलो बेटा। और श्रीशा तू कैसी है? श्रीशा बहुत अच्छी है, बस बैंड बाजा बारात का इंतजार है। कितने दिनों बाद मिले हैं हम। वो छोटा बच्चा थोड़ी ना है, यहीं आसपास कहीं घूम रहा होगा, आ जाएगा। हम उसका फोन भी ट्राई किए पर स्विच ऑफ है। साहब, श्रीराम भैया को कुछ गुंडे उठा कर ले गए हैं। का 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 का? हाँ साहब, हम खुद देखे हैं। सूर्या, शैतान सिंह का आदमी उसे शैतान सिंह के पास ले जा रहा है। शैतान सिंह? का रे, हमारे बेटे को आकर पूरे 10 घंटे ना ही हुए और ये का हो रहा है उसके साथ?
कुछ दिन पहले भी उन्होंने हमारे घर पर हमला किया था और आज हमारा बेटा गुम है। का किए हो तुम उनके साथ? बड़ा होगा, कुछ नहीं होगा। हम अभी कहां जा रहा है? हमारे बेटे को फंसा कर तू उनको मारना चाहता है? प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज। नहीं, कोई भी इका यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा। अंकल प्लीज। एसीपी साहब। हाँ जी बोलिए। सर, हमारा बेटा मुसीबत में पड़ गया है। वो कहाँ गया? हट जा, तू यहाँ। इसने मुझे उनको देखा है। कुछ कीजिए एसीपी साहब, कुछ कीजिए प्लीज। पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, हम ही उसे बचा सकते हैं। तू कहीं नहीं जाएगा, हमारा दोस्त मुसीबत में है। जिस दिन से तू का दोस्त बनाया है वो मुसीबत में है। तू उसे अपना दोस्त कहता है ना? अगर तू यहाँ से हिला भी तो तुझे तेरे दोस्त की कसम, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। रानी, प्लीज इसे जाने दीजिए, वरना भैया की जान चली जाएगी। मेघना चुप रहो, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम और चुप नहीं रह सकते। मेघना चुप हो जाओ, प्लीज कुछ मत बोलो। इन्हें पता होना चाहिए कि भैया के साथ का हुआ था। वो सब जो पिता को करना चाहिए था एक दोस्त होने के नाते तुम किए हो। हमें सच्चाई बताने दो, शायद सुनकर इनका दिल पिघल जाए। मेघना चुप हो जाओ, प्लीज हमें बताने दो, वरना इन्हें पता ही नहीं चलेगा। मेघना प्लीज प्लीज। नहीं प्लीज। डैडी, भैया के साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जिससे उन्हें फांसी होने वाली थी, और आज भी जो इंसान भैया के लिए एक अपाहिज लड़की से शादी के लिए तैयार है वो है सूर्या। आप हिम्मत रखिए अंकल, आपका आशीर्वाद है, उसे कुछ नहीं होगा। हम पर भरोसा रखिए। आप हमेशा कहा करते थे ना कि सूर्या हमें अपने प्यार के जाल में फंसा लेगा, पर आज हम सबके सामने कह रहे हैं कि हमको सूर्या से प्यार हो गया है। कुछ साल पहले की बात है जब हम उसके प्यार को ठुकरा दिए थे, उसके बावजूद भी उसने कभी हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश नहीं की। उसने भैया के लिए अपने प्यार को भी कुर्बान कर दिया। हर रात आप ये सोचकर सो जाते थे कि आपका बेटा आराम से है, लेकिन आप ही नहीं जानते कि आपके सपने को पूरा करने के लिए सूर्या ने कितनी रातें जाग कर गुजारी है। आज की इस दुनिया में दोस्ती सिर्फ मतलब के लिए रह गई है, पर सूर्या जैसे इंसानों के लिए दोस्ती ही उनका सबसे बड़ा धर्म होता है। हम इसे अपने हाथों से मारना चाहते थे, इसीलिए इसकी जान बचाई। अब तू हमरे बीच में मत आना, ये ऐसे ना ही समझेगा। तुम लोग कहाँ देख रहे हो? मार डालो इसे। बिना किसी वजह के हम इसे क्यों मारें? सूर्या एक अच्छा इंसान है। आप पर हमला करने वालों की सूर्या ने वाट लगा दी, हमें दोबारा पावर इसी ने दिलाई है। इतने सालों से जो हम नहीं कर पाए उस सूर्या ने एक झटके में कर दिया। अरे इसके मुंह लगेंगे तो ये हमारा मुंह तोड़ देगा ना, फालतू रिस्क काहे ले? हमारा इंश्योरेंस तो कराए नहीं आप, और हॉस्पिटल का खर्चा भी नहीं उठाएंगे। सही बोल रहा है भाई। ये तुमका भी अपना दोस्त बना डाला, अब ताली बजाओ और आरती उतारो इसकी, पर हम खुद ही इन दोनों को मार डालते हैं।
किसी की जान लेना ही बहादुरी नहीं होती, समझ गए तुम? हमें माफ कर दीजिए, हमारी उसमें कोई गलती नहीं थी। उस हादसे में हमें अपने प्यार वैष्णवी को खोना पड़ा, हम पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अगर आपको और आपकी बेटी को कोई एतराज ना हो तो हम इससे शादी करना चाहते हैं। आज हमको सिखा दिए कि दूसरों पर दया कैसे करते हैं। हम अंधे हो गए थे, तुमको मारना चाहते थे, हमको माफ कर दो। बेटा, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। आज तुम्हें साबित कर दिए कि जीवन में मकसद होना ही सब कुछ नहीं होता। महान बनने के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं करते, अपना सब दांव पे लगा देते हैं। लेकिन इस मतलबी समाज के बीच रहकर भी तुम कितने महान हो सूर्या। अंकल अपने इमोशन पर ब्रेक लगाइए, आशीर्वाद दीजिए, जाइए। आप खुश तो है ना? सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए या कुछ बचा है? अभी कहा, असली प्रॉब्लम तो सुलझा ही नहीं। वो कौन सा प्रॉब्लम है? मेघना की खातिर दूल्हा, वैसे तुम बनोगे? ओ नो, नहीं नेवा, ये पत्थर दिल से शादी कौन करेगा? बाप पर गई है पूरी की पूरी। सूर्या, ये आई लव यू नहीं कहती है, सिर्फ भारतीय है। देखा आपने, आई लव यू। तुम्हें हमें झेलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। कीजिए शादी के बाद टपलियां मारी है, बाद में क्या क्या मारेगी, झाड़ू, बर्तन या फिर बेलन?